एक्सपेरिमेंट डिसमेंटल डेट नाउ दे डीलिंग विद एट और उस एक्सपेरीमेंट ने गिरते गिरते अपने साथ जो किया है माजरत के साथ मतलब अग अगर आप मुझे कोई बताएगा कि 9 मई में, में हम हटिग्रिटी में जाएंगे तो कहानियाँ और कर सकते हैं 9 मई के अंदर वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस में इमरान खां का कोई किरदार नहीं था तो मुझे आई हैव टू सबमिट कि जी वो मुझे अहमक ही समझता है।

बहुत खास एपिसोड है द पाकिस्तान एक्सपीरियंस की हमारे जो दोस्त हैं पॉडकास्ट के मुर्तुदा चौधरी उनके फेवरेट इंसान आए हमारे साथ रिनाउंड जर्नलिस्ट अलैन हमारे साथ हैं कैसे है सर सर आप अल्लाह का बड़ा करम क्योंकि आपने बोला मुश्किल सवाल पूछ लें और टाइम भी कम है तो डायरेक्टली मुश्किल सवालों से आप मेरा कंटेंट देखते हैं सर जर्नलिज्म के नाम पे एक बड़ा नाम बड़े लोगों ने बड़े सालों से देखा अब जो जनरल परसेप्शन आपका है कि वो तलत हुसैन प्रो इस्टमेंट ये परसेप्शन जायज़ है प्रो इस्टबलिशमेंट की नौकरियाँ नहीं जाती जो प्रो इस्टबलिशमेंट होते हैं उनकी हमेशा नौकरी लगी रहती है मैं चार साल नौकरी के बगैर मैंने जिंदगी गुजारी वो एक अलग स्टैब्लिशमेंट थी वो कौन सी ये वो थी ये की थी फैज से फैज साहब से जर्नलिस्टिकली मेरा बड़ा अच्छा इंटरफेस था जर्नलिस्टिकली वी जर्नलिस्टिकलीड इन एवरी थिंग डिड बड़ा अच्छा इंटरफेस था बाजवा साहब के साथ मैं क्रिकेट खेली हुई थी इस्लाम क्रिकेट क्लब पिंडी में पिंडी में तो बाजवा साहब वैसे ही बैट्समैन थे जैसे वो आर्मी चीफ़ साबित हुए बोंगे तो इस्टब्लिशमेंट तो एक ही जैसी होती है इस्टेब्लिशमेंट तब्दील नहीं होती तो प्रो इस्टबलिशमेंट अगर मैं था तो फिर चार साल में नौकरी से बाहर कैसे रहा बुनियादी बात यह है कि जो लोग ख़ुद इस्टेब्लिशमेंट के गर्द घूमते हैं ना तो उनको आ, होता है दूसरों को ठप्पे लगाने का आ, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई फैक्चुअली कोई बात है ये मे बी पीपल आर लाइक जो खुलकर हमें एक तनकीद नज़र आती थी हो सकता है आपकी थिंकिंग अलाइंट हो या कोई आज जो चीज़ें हो रही हैं यू सी द रीजनिंग ऑफ इट एंड आई एम नॉट सेइंग कि आप जस्टिफाई कर रहे हैं आप डिफेंड कर रहे हैं बट डू यू अग्री विद द रीजनिंग ऑफ थिंग देखिए मैं ये दो हज़ार चौदह से कह रहा हूँ ये बातें मैं दो हज़ार चौदह से कह रहा हूँ अगर इस्टेबलिशमेंट ने आज की ने अपना किबला दुरुस्त किया है अपने भयानक तजर्बे के बाद तो इस्टबलिशमेंट ने मेरी लाइन ली है मैंने इस्टेब्लिशमेंट की लाइन नहीं ली मैं तो 2014 के धरनों से ही कह रहा हूँ कि ये आप ख़राबी पैदा कर रहे हैं और सिर्फ इस्टैब्लिशमेंट को नहीं कह रहा हूँ मैं इमरान खान को भी कहता रहा था इमरान खान से जिस हद तक इमरान खान से दोस्ती हो सकती है उनके हल्का एहबाब में दाखिल हुए बगैर मेरी इमरान खान के साथ दोस्ती थी हमारी उनके साथ मुलाकातें थी जिस दूसरे सियासतदानों के साथ थी। क्रिकेट की वजह से वैसे एसोसिएशन थी तो हम उनको ये भी कहते होते थे कि आपके पास एक नई क्लास इमर्ज हो रही है पाकिस्तान में नया यूथ आ रहा है आप और आप उसको अट्रैक्ट भी कर सकते हैं हम उनके बारे में कहते थे कि उनके पास दोनों वोट हैं यानी ये और ये ये जिनके ये 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 अच्छा, वो वो, वो इस, ये, वोट नहीं था। इस, बात कर रहा यानी यानी ये जो लोग कंजर्वेटिव है ये जो स्लीवलेस पहनते हैं तो वो दोनों को अट्रैक्ट कर ये भी वो भी उनके साथ उन्होंने मेरे खान को काफ़ी पहले अरसा पहले पिक कर लिया था बीच इज़ अनदर स्टोरी वो उसके ऊपर मैं डेढ़ घंटा आपको बता सकता हूँ इमरान खान के ऑरिजिन क्या है तो आप ये ना करें इस्टबलिशमेंट uh, जो है वो uh, उन, उनका एक अपना तरीका कार है काम करने का तो लेकिन इमरान खान को बहुत जल्दी थी तो मैं तो 2014 से लेकर 2024 तक आप एक साल नहीं मुझे बता सकते कि मैं वेवर हुआ हूँ अपनी लाइन में बीच में इस्टब्लिशमेंट थोड़ी सी इमरान खान की तरफ नरमी की नवाज शरीफ की तरफ सख्ती की फिर नवाज शरीफ की तरफ नरमी की फिर इमरान के खिलाफ सख्ती की आई have been unwavering. ये कोई अपना ढोल बजाने की बात नहीं है आई डोंट बिलीव जर्नलिस्ट शुड टॉक अबाउट फर्स्ट पर्सन singular मैं 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 लेकिन चूँकि आपने सवाल पूछा था आपको बता रहा हूँ कि 2014 से मेरी एक ही लाइन है जिसकी वजह से मेरी नौकरियाँ गई जिसकी वजह से मेरे लिए मसाइल हुए आ, लेकिन आई haven't चेंज एनी थिंग अब इस्टेब्लिशमेंट को अगर समझ आ गया कि इमरान एक भयानक तजर्बा था तो और मैं तो इतने अर्से से बात कर रहा हूँ तो ट uh, से पूछें कि आपने अपनी लाइन क्यों एडजस्ट की है पॉइंट इज अगर इस्टैब्लिशमेंट uh, गोदी में बिठा के खान साहब को लाते हैं तो गलत है बट स्टैब्लिशेंट गोदी बिठा के नवाज शरीफ को लाते हैं तो वो भी गलत है गोदी में बिठा के नवाज शरीफ को इंट्रोड्यूस करवाया गोदी इसमें जयाल्ला के साथ फाइनेंस मिनिस्टर थे और उनके जयाल्ला के आ, मरने पर सब जरा रोए भी वही थे दूसरे लोगों के साथ खैर बहुत सारे लोग रोए थे लेकिन वो भी रोए थे वो इट्स मैटर ऑफ रिकॉर्ड लेकिन उसके बाद मुसलसल एक सियासी अमल से नवाज शरीफ ने अपनी एक लिजिटमेट बेस बनाई इमरान खान के लिए खुशकस्मती ये थी कि उनको बेस ऑलमोस्ट बनी बनाई मिली क्योंकि दोनों जमातों से जो लोग नाला थे वो बीच में नई क्लास आ रही थी इमरान खान ने उसको हार्नेस किया पीपल्स पार्टी पंजाब में च्रिंग कर रही थी दिस इज बोरिंग स्टाफ आई नो इट गो विद लेकिन दैट्स अ रियलिटी तो इमरान के पास बनी बनाई एक क्लास मौजूद थी उस बनी बनाई क्लास की मौजूदगी में उनको इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठने की ज़रूरत नहीं थी आई कैन अंडरस्टैंड कि एक न्याय सियासदान हो जो इम्प्लान किया गया हो इमरान खान को बैठने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन इमरान खान बुनियादी तौर पर एक सहल पसंद सुस्तल वजूद किस्म के शख्स है सारी ज़िंदगी वो सेलिब्रिटी इंजॉय करता रहा है उसके काम दूसरों ने किए हैं उसके बिल दूसरों ने दिए हैं उसके बच्चे दूसरों ने पाले हैं उसके घर दूसरों ने चलाए हैं और उनकी स्विंग भी रेगमाल के जरिए वैसे वो करते होते थे रेगमाल ने उनकी स्विंग तो बहुत अच्छे थे यार बहुत ये तो थे तो थे थे लेकिन आपने कभी सोचा कि इतने हमने रिवर्स स्विंग में मलका हासिल की आजकल बॉल रिवर्स स्विंग क्यों नहीं होता

लेकिन आप उसको बिल्कुल उसके जो फीट ऑफ क्ले हैं उससे नजर ना उठाए बट लेकिन स्टिल ही डिस और इतने भांडी अंदाज से किया उन्होंने कि उन्होंने कहा जी कि मेरी मौजूदगी में कोई और बाकी ना रहे दिवान उनकी क्या था कि नवाज भी गया mm. बिलावल भी गया जमात भी गई सब गए आई थिंक इट वॉज अनवाई जी ठीक है रदारियासी किरदार हरकतें परफॉर्मेंस जीरो जीरो माइनस टेन माइनस हंड्रेड सब दे दिया वो इम परफेक्ट आदमी है एक बुरा आदमी है नहीं मैंने नहीं मैंने कहा ये मैं कह रहा हूँ नजर आ, में मेरी नज़र मैंने किरदार मैं मैं के बारे में कोई बात नहीं है आपने कहा है मेरी नजर हाँ। में ठीक हाँ। है।, <laughs> है लेकिन अनडिनाइबल है कि इस वक्त स्टैब्लिशमेंट जो माइनस इमरान फार्मूला पे है उस पर जो कर रहे हैं उनके साथ वी वो डन विडियोज ऑन द केसेज बोथ ऑफ अस थिंक ऑल हैव मेरिट बट द वे इट वॉज हैंडल का जिस तरह जजमेंट आया जिस तरह हीरिंग्स हुई सबको पता है क्यों हो रही है इट्स पॉइंटलेस डूइंग लीगल एनालिसिस ऑन उसमें एविडेंस क्या था और इमरान खान ने हरकतें क्या की थीं क्योंकि केसेस उस वक्त इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट को हटाना चाह रहे हैं तो ऑन डैट प्रिंसिपल के एस्टैब्लिशमेंट घुस कर एक आदमी को हटा रहे हैं शुड वी बी अगेंस्ट दैट एंड रेजर वे हमने that. तो बिल्कुल केस की हैंडलिंग को हमने बिल्कुल चैलेंज किए मैं अभी भी कहता हूँ कि भांडेदा से किया है जज बशीर उस वक्त भी कंट्रोवर्शियल था जज बशी अभी भी कंट्रोवर्शियल है सीधे हाँ पड़ते थे जज बशीर के खान हाँ, हाँ लेकिन वो जस्टिफिकेशन नहीं है जो जज जज बशीर के आज की वर्डिक्स हैं ये तो मैं बिल्कुल क्लियरली कह रहा हूँ मैं आई एम विद यू ऑन दिस वन लेकिन मैं इससे आपसे इतफाक़ नहीं करूँगा कि इन केसेस के मेरिट में जाने की ज़रूरत नहीं है इन केसेस में मेरिट में जाने की बहुत ज़रूरत है तोशाखाना क्या था आपको याद है एक आम पाकिस्तानी शहरी ने दरख्वास्त दी थी, थी जब इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे कि जी ये जो आपको तोहफे शहफ़े मिले हैं ये इन्फॉमेशन एक्ट के तहत हमें ज़रा को मालूम तो दें तो इन्होंने क्या कहा था इन्होंने कहा था अगर हमने आपको बता दिया कि मालूम क्या हैं तो हमारे बाहमी खराब हो जाएंगे तो देनाइड दैट राइट ऑफ एक्सेस टू इंफॉर्मेशन उस पर खर मालूम सामने आ गई। तो ये केस जो था इमरान खान की प्राइम मिनिस्टर होते हुए सामने आया था इन इट हैज़ अलॉट ऑफ लॉट इन इट। अब देखें डोनाल्ड uh, ट्रंप जो है दोबारा से वापस आ रहा है लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को कभी यह एग्जैम्पन नहीं मिली कि वो डॉक्यूमेंट घर लेके चला जाए अच्छा डिक्टो इन दोनों का मुझे लगता है कि ये दे मिरर रीच अदर वो भी जनाब दस्तावेज़ लेके घर ले गया उसके बाद उसने आगे पीछे कर दी अपनी टैक्स डिक्लेरेशन के मसाइल हैं उसके जतीी मसायल भी हैं जिसमें हम नहीं जाते हमला भी करवा दिया मतलब ये कि अगर आप देखें ना तो सारे बॉक्सेस टिक करते हैं शादियां भी तीन उनके चले शायद ज़्यादा डिकलेर तीन अब डोनाल्ड ट्रंप को एग्जैम्पन नहीं दी निज़ाम ने हमारे यहाँ पे मसला ये है कि इतनी मरतबा ये तजर्बात हो चुके हैं कि जो असल मेरिट है केस का वो इस बहस में खो जाता कि यार पहले भी होता रहा अब भी हो रहा है तो फ़र्क क्या है लेकिन आई वुड वॉन्ट के इनका एनालिसिस किया जाए इन केसेस का एंड यू वुड सी अलॉट ऑफ मेरिट इस बात से कता नजर कि ये किस वक्त ये मेरिट इस्तेमाल हो रहा मैंने तो हमेशा ये सवाल उठाया कि जब ये बुशरा बीबी गोगे के साथ मिलकर तोहफे आगे पीछे कर रही थी तो क्या इंटेलिजेंस को नहीं पता था बिल्कुल पता था अगर मिलिट्री सेक्टर के हाथों ही काम हो रहा था तो पता नहीं था बिल्कुल पता था तो अच्छा अब वो केसेस क्यों सामने आए टू मी यहाँ पर आके कर मैं थोड़ा तो सा तो डिफर करता हूँ कि अगर इस्टैब्लिशमेंट को पता था और इस्टैब्लिशमेंट आप इस्तेमाल करें तो इस्टेब्लिशमेंट तो बुरी ठहरी लेकिन आर्गूमेंट सिर्फ ये नहीं है इस्टेब्लिशमेंट बुरी है या अच्छी है या हमेशा मैनिपलेट करती है इस्टेब्लिशमेंट तो करती है जो इमरान खान ने अपने बारे में इमेज बनाया हुआ था जिस जिसको वो सेल कर रहे थे जो उनका सारा प्रॉपिगेंडा है हाउ डू दीज केसेज स्क्वेयर विद दैट इमेज दे डू नॉट स्क्वेयर विद दैट इमेज सो so, मेरा मुद्दा सिर्फ इतना है जरदारी साहब ने कभी कहा है कि मैं बहुत हाजी हूँ कभी आपने उनके मुंह से सुना है अपने गुनाहों का एतराफ़ भी नहीं करते बट चूं ही प्रिटेंड टू बी दिस ग्रेट स्पिरिचुअल का है हार्ड कोर पॉलिटिशियन है पॉलिटिक्स में ऐसा ही होता है लेकिन यहाँ पे आपने उनको बाकायदा uh. मेंबर पे बिठाया हुआ था और वो लेक्चर देते होते थे आई थिंक दिस इज़ वेयर द इशू कम्स इट्स ऑफ पोलिटल हेपोक्रेसी मोर देन एंग एल्स इसमें आपने अमेरिका की क्योंकि एक्जाम्पल दी डोनाल्ड ट्रंप के साथ ये सब कुछ हुआ डोनाल्ड ट्रंप की ऑडियो लीग भी हुई डोनल्ड ट्रंप की जो uh, चीज़ें हैं सबको ही पता है मीडिया पे भी डिस्कस होती हैं रिपब्लिकन पार्टी भी उनके साथ नहीं है फिर भी उनको प्राइमरीज जीते जा रहे हैं इज ऑन द कैंपेन ट्रेल ही इज़ कैंपेनिंग पीपल आर डिसाइडिंग राइट सो अगर ये चीज़ें सामने आ रही होती हैं आप और मैं होते हैं हम लोग ब्लॉग्स बना रहे होते पॉडकास्ट कर रहे होते ये 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 मसले हैं ये ये बातें इस तरह की करते हैं कि अमेरिका ने साइफर भेजा और ऑडियो में कहते हैं मैक्सिन प्लीज़ मुझे बता लो वही पार्टी इट्स अ फ्री एंड फेयर वर्ल्ड फॉर देट टू बी हैपनिंग द इशू इज़ ये नहीं कि इन लोगों ने चोरिया नहीं की फॉरन फंडिंग केस में बड़ा क्लियर एविडेंस है कि अकाउंट्स में पैसे आ रहे थे छह सात साल आठ साल वो आइस पे पड़ा रहता है अकबर बाबर लड़ते रहते हैं जब खानसा हैविंग दिस पावर टू डिसाइड कि कब सबकी चोरिया माफ हैं और कब हमें वो चोर लगना शुरू हो जाएगा शुड दैट बी आर जब मैं इमरान खान के दस साल तजर्बे की बात करता हूँ प्रॉब्लम मैं शायद वाहि जर्नलिस्ट होंगे जो तसलसल के साथ जनल बाजवा और फैज़ की बात कर रहा हूँ मेरे वीलाग्स उठा के देख लें जितने मैंने उनके मामला को दायरे में लेके आए आएँ इमरान खान के मामला को भी लेकर आए तो मेरा तो मुद्दा ही यही है कि अभी मेरा रिसेंट ट्वीट आपने देखा कि जनल आसफ़ वहूर के साथ जो है वो आ, कौन जो बाथ स्टब के अंदर बैठे हुए थे सईद खान आ, नाम भी देखें तो बाथ स्टब में बैठ कर कौन सी वजहत आती है भाई भाई अब किसने ट्रेन किया इनको आई हैव बिन कंसिस्टेंटली सेइंग ये ट्रोल्स कौन है ये इमरान खान के साथ जो लोग हैं वो कौन है सो so मैं तो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर बड़ा सख्त हाथ रखता हूँ इन मामला के ऊपर कि ये आपकी जन्म ठंडा है मैंने ट्वीट में लिखा था हम अपनी आग खुद लेके आते हैं ये आपने खुद लगाई हुई है आगे तो बिल्कुल आपने दुरुस्त का स्टैब्लिशमेंट के ऊपर फोकस होना चाहिए लेकिन दैट डज़ नॉट बिकम अ लाइसेंस फॉर अदर्स टू बेसिकली से कि चूँकि इस्टेब्लिशमेंट है ही ऐसी चले हम भी इस बहती गंगा के अंदर हाथ धो लें और हाथ धोते हुए आप कहें हमारे हाथ तो बिल्कुल साफ़ है दैट इज़ समथिंग दैट इज़ अन एक्सेप्टेबल टू मी तो मेरा बर्डन ऑफ कॉन्टेंट जो है आई अंडरस्टैंड कि इमरान खान से मुतलिक बर्डन ऑफ कॉन्टेंट जो है वो ज़्यादा महसूस होता है लेकिन आप कॉन्टेंट एनालिसिस मेरा करके देखें किसी जगह पर आपको नहीं लगेगा कि मैंने इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि नहीं नहीं आप तो अच्छे बच्चे हैं इमरानी गंदा बच्चा, नेवर एवर आई स्टार्ट फ्राम दिसमेंट कम टू इमरान खान आई थिंक आपके आज रिस्पेक्ट है आप सारा की आज रिस्पेक्ट है उस वजह से वेन इट मैटर्ड आप लोगों ने नाम लेके जनरल बाजार जनरल फैज को अपोज़ किया तो वो रिस्पेक्ट उस वजह से बनती है एंड वी स्टिल नॉट बिकॉज दे आर इंडिविजुअल्स इनफरादी तौर पर नहीं करते क्योंकि वो एक ऐसे निज़ाम का हिस्सा है जिसने तालिबान के साथ क्या तजर्बात किए

बट अगर जनरल बाजवा ने में घुस के के जो खान साहब खुद कह रहे हैं नवाशिर को हटवाया बिल्कुल गलत किया, किया अपोज किया आप लोगों ने आज जनरल आसिम मुनीर अगर कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट को वाइंड अप कर रहे हैं जनरल बाजवा शुरू किया इमरान खान के प्रोजेक्ट का वाइंड कैसे करना जनरल आसिम मुनीर वाइंड अपने मैं आपसे पूछ रहा हूँ मैं एक आपको प्रैक्टिकल सवाल दे रहा हूं यह प्रैक्टिकल सवाल इसी किस्म का है जिस तरह आप मुझे कहें आपने कवर करना है बाजोड़ जहाँ पे धमाके हूँ मैंने कहा बाजोड़ कवर करना मैं इंडिपेंडेंस हूँ उनके आप वहां पे जा नहीं सकते क्योंकि वहां पे सिर्फ आर्मी का हेली जाएगा मेरे पास क्या ऑप्शन है मैं कहूँगा मैं के हेली में ना बैठूँ अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मैं कवर नहीं कर सकता हूँ तो दूसरा ऑप्शन क्या है जिसको हम कहते हैं अपने जमाने डॉगन पॉनी शो तो डॉगन पॉनी शो क्या होता है क्या लॉजिस्टिक्स आपको कोई फ्राहम करता है फिर आपको थोड़ा सा डायरेक्ट भी करता है तो मेरे पास क्या ऑप्शन है मैं उस वाली में बैठूंगा ना मुझे वहाँ पहुँचने के लिए तो पॉइंट रिल इज आप वाइंड अप नहीं कर सकते इमरान प्रोजेक्ट को नवाज शरीफ वाइंड अप नहीं कर सकता द स्केल ऑफ दिस प्रोजेक्ट इतना बड़ा है कि भैया जिन्होंने बनाया है उन्होंने ही वाइंड अप करना है ना अच्छा अब आप कहेंगे वाइंड अप करने का तरीका ये है कि ये बड़े नाइस तरीके से होना चाहिए नाइस तरीके से शुरू नहीं हुआ था नाइस तरीके से खत्म नहीं होगा सो so, मैं तो बड़ा इसको हार्ड नोज किस्म का एनालिसिस करता हूं आप मॉरालिटी को बुनियाद बना बनाकर डिस्कशन करें मैं आपके साथ खड़ा होगा लेकिन मेरा अगले सवाल का जवाब किसी के पास नहीं होता विच इज़ आपने वाइंड अप करना है मैंने वाइंड अप करना है किसने वाइंड अप करना है यह वाइंड अप होने का ही नहीं था तो भैया जिन्होंने बनाया अगर वो वाइंड अप कर रहे हैं तो आपको क्या मसला है या तो आप कहेंगे वाइंड अप होना नहीं चाहिए hmm. अगर वो नहीं हो सकता कि वाइंड अप होना चाहिए ये सारा जो गुमराह कौन किस्म का निजाम बना हुआ था तबाह कौन तो फिर कौन वाइंड अप करेगा जजेस रियली कैन कैन द डू दैट डू यू नॉट नो वट द डिड टू काजीफा आजीसा मतलब आप अंदाजा कर सकते हैं कि एक जज को आप ड्रैग करके अच्छा काजी फाइजीसा साहब से भी मेरे डिफरेंसेस हैं पॉलिसी uh, के मामला के ऊपर और मैं आपको दिलचस्प किस्सा भी बाद में बताऊंगा क्योंकि आपने इतना लंबा ये ब्रॉडकास्ट रखा हुआ तो किस्से के साथ ही फेल होगा अभी अभी तो, तो शुरू भी नहीं हुआ <laughs> <अभी> से नाराजगी <laughs> का इजहार हो गया नहीं नहीं मैं हक इजहार कर रहा हूँ तो यू नो ट्रैकिंग हिज फैमिली मेकिंग हिम स्टैंड एंड देन यू नो मेकिंगज़ वाइफ क्राई कोई आप सोच सकते हैं जजेज ने वाइंड अप करना बिजनेस कम्युनिटी ने वाइंड अप करना था आपको पता है कि आ, सारे जर्नाल में क्या बताते हैं जिससे भी आप ब्रीफिंग लें वो कहते हैं सबसे ज़्यादा एंटी डेमोक्रेटिक रवैया और सबसे ज़्यादा जो कॉल हमें इस मरतबा आई है कि आप इलेक्शन पोस्टपोन करें कहाँ से आइए बिजनेस कम्युनिटी बेस्ड आउट ऑफ कराची या लाहौर उन्होंने वाइंड अप करना था ये मीडिया ने वाइंड अप करना था जो उनके हाथ से खाता होता था किसने वाइंड अप करना था सो माई प्रैक्टिकल क्वेश्चन टू यू एंड टू एवरीबडी एल्स इज मच एज वी डिस्पाइज इट वी डिटेस्टिट वी डोंट वॉन्ट टू राइड द आर्मी हेलीकॉप्टर बट इफ दे हैव एक्सेस टू बाजोड आई सेट इन दैट हेलीकॉप्टर और एटलीस्ट विटनेस इज फ्लाई तो एतराज़ बिल्कुल हम करें लेकिन ये ना कहें जी कि फिर बाईड फिर ना करें चलता रहने देखा डिसअग्रीमेंट हो सकती है, नहीं, establishment है कि प्रिंसिपल कॉन्ट्रेडिक्शन हमें आने इस्टिशमेंट है सेट दैट साइड टू गेट योर पोजिशन ऑन इट योर पोजिशन ऑन इट इज़ कि भाई लूडो का गेम चल रहा था एक बंदा आया उसने उड़ा दिया अब आप कहते हैं कि तुम्हारा काम नहीं है इसको वापस सेट करना लेकिन हमें पे सेट करके दो क्योंकि तुमने उड़ाया था सो राइट नाउ लेट्स नॉट फोकस ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन द एस्टैब्लिशमेंट कॉन्स्टिट्यूशन रोल लेट्स फोकस ऑन कि आपने जो गंद मचाया था पहले आप ही उसको साफ करें मेरी प्रिंसिपल पोजीशन ये नहीं है मेरी प्रिंसिपल पोजीशन ये है कि ये जो हो रहा है मैं इस, मेरे पास इसके रोकने की ताकत नहीं है मैं एनालिसिस आप, में आपको बता रहा हूँ कि इन्हीं का प्रोजेक्ट था इससे ज्यादा जाके मैं इसको अगर जब कहता हूं कि आप ना ये इसको वाइंड अप करें तो मेरे पास फिर अगला सवाल का जवाब नहीं आता तो आई एम ओनली नरेटिंग अ फैक्ट हेयर मैं बतौर साफी डॉक्यूमेंट कर रहा हूं जो हो रहा है पाकिस्तान के अंदर मैं आइडियोलॉजिकल पोजीशन तो मैंने वाजे कर दी इस्टब्लिशमेंट को ये नहीं करना चाहिए स्टैब्लिशमेंट ने हमेशा मैंने तो पुराने आपको मिसालें भी दे दी हुसैन का भी दे दी तालिबान की भी दे दी एक्यू खान की भी दे दी और बार बार ये फेल्ड एक्सपेरिमेंट्स हैं यू डोंट डू दैट निज़ाम को चलाने के तरीके हैं दुनिया के अंदर ऐसे नहीं इतनी जमोरी ममालिक ने विजडम खड़ा किया हुआ क्योंकि कोई तरीका है ना जिस वजह से निजाम चल रहा है सो यू कांट रिले केब्लिशमेंट कांट से है कि, कि हमारे पास कोई खास तरीका है कि हम इस निजाम को मैनेज कर सकते हैं यू कांट डू दैट जन आसम मुनीर कांट डू दैट अगर यूब खान नहीं कर पाया अगर हक नहीं कर पाया अगर मुशरफ नहीं कर पाया अगर बाजवा नहीं कर पाया आसम पर्सनल इशू नहीं है आप चला ही नहीं सकते निजाम को इस तरीके से हैविंग सेट दिस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन यू नो दिज अ बैड एक्सपेरिमेंट डिसमेंटल डेट नाओ दे डीलिंग विद इट और उस एक्सपेरिमेंट ने गिरते गिरते अपने साथ जो किया है माजरत के साथ मतलब तो अग अगर आप मुझे कोई बताएगा कि 9 मई में, में हम उसकी इनटिग्रिटी में जाएंगे तो कहानी हम और कर सकते हैं 9 मई के अंदर वो इंसाइटमेंट टू वायलेंस में इमरान खां कोई किरदार नहीं था तो मुझे आई हैव टू सबमिट कि जी वो मुझे अहमक ही समझता

<laughs> आप पे इल्जाम है कि आपने, आप तो आपने भी जो अल्फाज इस्तेमाल किए लेकिन दिस इज योर नॉट माइक आई एम ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर आई से इमेजिन द एलिगेशन फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन यू कैन यू इमेजिन कि वो कह रहा है कि फौ, अपनी फौज ने अपने घरों को जलाने का बंदोबस्त किया बैठ के और उसके बाद उन्होंने बंदे डिप्लाइट दैट्स वट अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन इज दैट्स वट इंडिया डज दैट्स वट सी आई ए डज सो इमरान खान नौ मई से बड़ा एलिगेशन लगाता है आप मुझे बताएं ये पावर गेम है यू you नो know, ये आपने लूडो को कहा मैं तो उसको कहता हूँ कि यू नो इट्स इट्स अ एंडलेस रेस्लिंग मैच एंड इट्स मल्टाई मार्शल आर्ट्स स्पोर्ट्स नो होल्ड बाट यू कम आउट ब्लीडिंग और डाइंग और विनिंग दो ही होते हैं आप उस खाड़े के अंदर खड़े हुए हैं यू टेलिंग दर पर्सन के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा आपको मिठाइयाँ भेजेंगे वो आपने हैंडल किस तरीके से किया नौ मई करेंगे आपको मिठाइयाँ भेजेंगे यू नो आर्मी अगर इस्टेबलिशमेंट की सियासी मामला को आप डोल परे कर दें एज एन इंस्टीट्यूशन दे ट्रेन टू किल यू नो पुलिस इज ट्रेन टू कंटेन आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन इज ट्रेन टू किल दी व्हाट इट इज़ उनके मैनुअल में ग्रे एरियाज नहीं होते यू नो बिकॉज द बुलेट वैन इट फ्लाइज टू वर्ड्स यू द फ्लाइंग लेट डजन ऑफर यू दी 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 लग्जरी के जी अच्छा हाँ भाई बुलेट आ रही है भाई मैं क्या करूँ इधर हो जो इधर नो यू हैव गॉट टू रिस्पॉन्ड तो भाई जब आप ऐसी हरकतें करेंगे तो जवाब तो आएगा तो अब इसमें आप मुझे बताएं मैं साफी तो बतौर साफ़ी मैं क्या करूँ कि वो कह रहे हैं फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है, है आर्मी आगे से रिस्पॉन्ड कर रही है तो मैं क्या कहूँ कि बात तो बड़ी बेहुदा की है उन्होंने गलत है लेकिन जवाब ना दें इज शुड 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 दैट बी 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 स्टैंड स्टैंड नॉट दैट ब्लैक एंड वाइट राइट इमरान हम भी ग्रुप्स में हमें भी उस जब नाइन्थ में चल रहा था पीटीआई के ग्रुप्स में क्या बातें हो रही थी किसके एड्रेस दिए जा रहे थे कि यहाँ पहुंचो आपके पास भी इंफॉर्मेशन आई होगी मेरे पास भी आई होगी आई एम कन्विंस कि ये प्लान था खान साहब को जब बताया भी गया उन्होंने बोला मैं क्यों इनको रोकूँ अगर अगली दफा करेंगे तो वो करेगा वो कॉन्फिडेंस था उनका उसके बाद आई अग्री विद ऑल ऑफ दैट

आशामी के ऊपर नहीं जाना चाहता वरना फिर मुझे आपके सामने एनवाई पीडी के वो फिगर्स भी रखने पड़ेंगे के अंदर तो पे जहां पे यू यू मूव एंड एंड ब्लैक शॉर्ट डेड तो तो मैं कहने तो का तो मकसद तो ये है कि कि हर निजाम के हाँ, तो इशू आप मे में इन्वॉल्व हो आप प्लानिंग में हो ना हो अगर तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देंगे तो आप जन्नत ही है आपकी पार्टी को भी हम सपोर्ट करेंगे आपको इलेक्टेबल्स भी लाकर हम देंगे आपको इलेक्शन भी जिताएंगे अगर आप अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते

और मेरे से क्या तवक् करते बतौर साफ़ ही कि मैं बाहर प्रेस क्लब के सामने जाके पोस्टर लेकर खड़ा हो जाऊँ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुखालिफ हूँ आई अपोज दैट पर एट द सेम टाइम जहाँ पर मेरा आपका डिसग्रीमेंट आता है जो फंडामेंटल कोर इशू है जो प्रोजेक्ट जिस तरीके से इवॉल्व हुआ उसने जिस तरीके से एग्रेवेशन की जिस तरीके से उसने रियासत के ऊपर हमला किया रियासत की अपनी गलतियों की वजह से उसको आप एग्जानोरेट नहीं कर सकते इमरान और जिन लोगों ने 9 मई किया वो इस वजह से लाइसेंस उनको नहीं मिल सकता कि उनके चार बंदों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएगी वो एक सेपरेट कैटेगरी में रखकर उसको दबा के उसको को किट लगाएँ बट यू गॉट टू कम टू द बेसिक पॉइंट आई अभी नाइन्थ में वॉज एब्सोलूटली एस्टाउंडिंग आप और मैं आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि अभी आप चले मेरे साथ अपारा के सामने जो इंटेलिजेंस का ऑफिस है उसके बराबर में गाड़ी पार्क करें दो मिनट मैं देखता हूँ आपके साथ क्या होता है दे वुड नॉट लेट यू स्टैंड देयर एस हैं डीप स्टेट के uh, अंदर भी यही होता है अमेरिका के अंदर भी होता है बरतानिया के अंदर भी यही होता है बरतानिया में आपको पता है ना कि मेन आप गए होंगे वहां पे कभी पॉडकास्ट लेके जाना स्टैंड के साथ आप जो है अम, से लेस्टर स्क्वायर के अंदर खड़े होकर ज़रा आप वैसे रिकॉर्डिंग शुरू करें बंदा आकर आपको पकड़ लेगा और सादे कपड़ों के अंदर होगा यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट सो वैन यू वायलेट प्रोसीजर द पनिशमेंट इज सवियर द पनिशमेंट इज सवियर हेर वो डू सी नाइन्थ में तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हम बहुत मरतबा तोजन क्रिएट करने में एंड हेयर अट जर्नलिज्म Fundamentally differs from many people's journalism. Tawazan create karne mein, fundamental right and wrong, and uh, um, uh, important but procedural right and wrong. Ko good kar Fundamental right and wrong is: you try to take over the state. You know, with the help of General Bajwa and General Faz, you try to maneuver and break apart the army's command system. You want to install your own people. And when that failed, uh, the state struck back. Uh, इतहादी स्टेट ने कि कहे होंगे एम केम को हटाया होगा जी को हटाया होगा जिन्होंने बनाया उन्होंने नहीं हटाया होगा ना यार हट गए आप गिर गए फिर आपने क्या किया आपने कहा अच्छा मैंने एक साइफर निकालना है यू नो दिटी ऑफ इट आप कभी सोचे तो सही कि इन्होंने किया क्या था अपने साथ जब इतना कुछ करने के बाद फिर कहते यार देखो ना इस्टेब्लिशमेंट के बस ये नहीं करना चाहिए रियली इट इज़ अ हार्ड बॉल गेम मैन कम टू द रियल वर्ल्ड व्हेन यू 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 प्ले द गेम ऑफ थ्रोन्स विन और डाई जनरल बाजवा इन्वाल्व थे जनरल आसिम मुनीर को हटाने की साजिश में

तो आप नाम गलत नहीं उनमें से कोई बाजवा साहब हर तरफ खेल रहे थे नवाज शरीफ को भी पैगाम भिजवा रहे थे इमरान खान को भी पैगाम भिजवा रहे थे शबाज शरीफ के साथ भी इंगेज थे वो कैसे सारों को रहे थे कि मैं तेनवी बना देगा मैं बना देंगे अंदर खाने जो उनका तरीकाकार था ऐसे ऑपरेट कर रहे थे सो so, भाजवाज फेवरेट वज बाजवा हिमसेल मैनी नो मिस्टेकनली थिंक उन्होंने ए बी सी को लगाना था कुछ मुतबादल उन्होंने दिए हुए थे लेकिन रियली really, बाजवा फेवरेट ऑलवेज बाजवा हिमसेल इसमें जिस तरह हम देखें जो हुआ से इस्टेबलिशमेंट कॉन्फ्लिक्ट जनरल फैज बनना चाहते थे जनरल को रुकवाना चाहते कमांड और उस अपॉइंटमेंट के चक्कर में जो मुल्क के साथ हुआ वो हुआ कमांड कमांड का देखें कोई इदारा अपनी कमांड को थ्रेटन नहीं करवाता यू you नो know, जब अंदर से लोग मेनूवर करके और ये हर इदारे के अंदर है अगर आप के साथ लोग काम करते हैं आठ दस लोग और आपका थर्ड टीयर वाला बंदा मेनूवर करके आपके साथ जो बंदा बैठा हुआ है उसके साथ डायरेक्ट नाता बना ले आपको डिसलॉज करने के लिए तो एक तो इशू होगा सबसे बड़ा इशू होगा इदारे के अंदर कमांड का इशू यू डू नॉट बाई पास द कमांड वट इमरान वॉज ट्राइंग टू डू एंड वट वाया फैज ट्राइंग टू डू टू द कमांड इशू आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन वुड नीवर अलाउ दैट आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन नो आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन अनलेस इंस्टीट्यूशनस पाकिस्तान जैसी सूरत हाल नहीं हो जहाँ पे आर्मी का एक अपना किरदार है और बिल्कुल आप सविलियन किताबें हों इस किस्म के हालात के अंदर आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन आपको सिविलियंस के जरिए इतनी डीप इंटरफेरेंस कभी नहीं करने दी नेवर एवर इमरान थाट कि वो कर सकता है फ़ैज़ ने पता क्या करने की कोशिश की थी एक मेटाफ़र है उसके लिए एक साहब थे उनका दिल आ गया एक खातून के ऊपर पता चला कि उनकी शादी के भी उम्र नहीं तो उन्होंने महजब अंदाज से एक तरीका अपनाया उन्होंने कहा जी हम इंतज़ार करते हैं जब आपकी शादी की उम्र होगी उस वक्त मैं बाकायदा आपके घर रिश्ता भेजूंगा और फिर हम निकाह कर लेंगे उसने कहा जी ठीक है दो डेढ़ साल रहते थे आ, उस खातून के बलोगत में ही शादी की उम्र में पहुँचने के लिए तो इस दौरान उन खातून को इंगेज रखने के लिए उन साहब ने उनको तोहफे तहफ देने शुरू कर दिए ताकि वो इंगेज रहे उनको पता चलता रहे तो दो साल के बाद जब वो वक्त आया तो उन्होंने रिश्ता भेजा तो उस खातून ने कहा कि मैंने तो शादी कर ली है उसने कहा तुमने किससे शादी कर ली कहती वो जो तोहफे लेके आया करता था दिस तो इज़ वट है जल बाज बाब इज यूज तो टू बेसिकली रीच आउट टू तो इमरान खान उसने कहा इमरान खान को मैं जा ही रहता तो अपना ही मामला क्यों ना ना तय कर ला ये इंडिविजुअल लेवल के ऊपर था बट आर्मी एंड इंस्टीट्यूशन विल नॉट अलाउ दैट जल आसम मुनीर की क्वालिफिकेशन इज इज़ इज इज़ फंडामेंटली करेक्ट फॉर द फर्स्ट टाइम वो कहते हैं लंदन प्लान है फॉर द फर्स्ट टाइम लंदन प्लान क्या है जो नंबर वन पे था वो नंबर वन पे आ गया ये 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 ये, ये लंदन प्लान है आई मीन ही क्वालिफाइड टू बी देयर और जो उनके साथ हुआ वो जल आसम मुनीर ने तो नहीं कहा था मेरे साथ करो यहाँ तो होना कि किसी बंदे का अपना एम्बिशन हो जल जनरल बाजवा के साथ जो हुआ उनके अपने एम्बिशन की वजह से हुआ जल फैज़ के साथ जो कुछ हुआ उनके अपने एम्बिशन की वजह से हुआ मुशरफ के साथ जो हुआ अपने एम्बिशन की वजह से हुआ आसम मुनीर ने कहा था कि मुझे आप पहले खुद ही कहा कि ये पता करें ये मेरी बीवी के बारे में जो बातें हो रही हैं और खुद ही जब वो रिपोर्ट लेके गए इसी प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर उन्होंने कहा उन्होंने कहा जी आप रेड लाइन क्रॉस कर रहे हैं उसने कहा जी रेड लाइन है आपने मुझे खुद ही डिप्लॉय किया था ये काम करने को तो दिस इज वॉट इज हैपनिंग आसम मुनीर ने तो नहीं कहा था जल नदीम अंजम ने कहा था कि यार आप मुझे वहाँ से कराची से उठा के लाओ और उसके बाद मुझे लटकई रखो लटकई रखो लटकाई रखो और बाजा साहब सीट खाली ना करें सो यू डू दीज थिंग्स टू द इंस्टिट्यूशन धनी से कि आपको वो बताशें भेजेंगे घर पर नहीं दिस इज नॉट हाउ इट वर्कस यू नो यू शुड नो विच वे इट स्विंग्स इट डजन स्विंग दिस वे दार्ड कोर आप पॉलिटिक्स खेल रहे हैं तो अपना दिमाग तो ठीक रखें यार इमरान खान ने ये किया जनफैज़ ने ये किया पीटे की लीडरशिप ने ये किया क्या उसकी सज़ा पूरी आवाम को मिलनी चाहिए और एक जो इलेक्शन है आई डोंट थिंक

इदारे के जरिए करवाया गया है जो पाकिस्तान में जिसके ब्रॉडकास्टिंग मेरे ख्याल बैंड है वी एफ हाँ वॉइस ऑफ अमेरिका और एक बेवामी शहरत याफ्ता इदारे ने कि इपसोस ने तो आईपोर वाला भी नहीं है ये सर्वे <laughs> जिसको कहते हैं यार ये क्या खच्चे मार रहे उसके अंदर उन्होंने कहा कि सिक्सटी थ्री परसेंट पीपल थिंक इट्स अ फेयर इलेक्शन सिक्सटी थ्री परसेंट पीपल

क्योंकि वो पीपल्स पार्टी भी तब्दील हो गई नेवर एवर डिड आई वोट फॉर पी एम एल एल ऑल कार्ड ऑन द डेक नवाज शरीफ तीन मरतबा प्राइम मिनिस्टर जो है वो आ, बना है उसने पिछले इंतखा में जिसके अंदर आर टी एस बैठ गया था जिसमें हमने विटनेस किया असद कैसर से भी हम पिछले दिन इंटरव्यू कर रहा था मुझे कह रहे थे यही सवाल किया आपके ख्याल में इस ये बिल्कुल फ्री हो रहा है आप अपने ईमान से बताए मैंने कहा अपने ईमान से बता, बता रहा हूँ कि बिल्कुल ऐसा इंतखा हो रहा है जैसे दो हज़ार अठारह में हुआ था ठीक है ना तो दो हज़ार अठारह में जो हुआ था उसके बारे में कहते हैं जी कि वो आर बैठ गया तो वो निज़ाम जो है उसको फिर सारों ने कबूल किया मुस्तफ़ा खोखर साहब एज अ बेफ़िशरी ऑफ़ दैट निज़ाम ना उसके अंदर सेनेट के अंदर गए थे और वो मौजूद थे पार्टी के साथ रहे आखिर में आके इनकी थोड़ी सी लड़ाई कुछ हो गई तो वो निकल गए बाहर दो हज़ार तेरह का इंतबाब हुए इमरान खान ने चार हल्कों दिमाग की उन्होंने दही बना दी मुल्क की कि चार हल्के खोलें चार चार हल्के खोले जुडिशल कमीशन बैठा तो क्या फैसला आया था रीजनेबली फेयर पाकिस्तान जैसे ममालिकटेडक्रेसी वीजनेबली फेयर इलेक्शन लेकिन मैं जजमेंट्स का बिल्कुल कायल नहीं हूं नवाज शरीफ तीन महत्व प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं अगर चौथी बनेगा तो सिफारिश पर बनेगा अब मुझे बताए ना प्रॉबेबिलिटी क्या है कि जिसने तीन महत्वल्ड कप जीता हो अगर वह चौथी मरता जीतेगा तो क्या वो रिगिंग करके जीता होगा लेकिन आप कह सकते हैं कि डायस इजली लोडेडेंट देंट ये पार्टी फ्रैक्चर इज इन्वॉल्व

नहीं करें बट यू थिंक वोटर विल वोट ऑन द बेसिस ऑफ दिस थिंग्स ऑनस्टली रियली वोटर वोट इस पे नहीं होता वो पोस्टर पर वोट नहीं होता यार आप, आपको बेहतर पता है पोस्टर पर वोट नहीं, नहीं।, नहीं होता अब मेरा हमेशा मानना यह है कि जो तगड़े अर्बन एरियाज़ के इंतबात होते हैं उसमें कोई दस बारह परसेंट वोटर जो होता है वो इन चीज़ों से मुतासर हो सकता है कि इलेक्शन कैंपेन किधर जा रही है हवा किस तरफ चल रही है वोट डालने का फायदा है या नहीं है द रेस्ट ऑफ द वोटर इज बेसिकली अ कमिटेड वोटर जो आइदर दिस वे और दैट वे और थर्ड वे जाता होगा और फोर्थ वे जाता होगा उस कमिटेड वोटर से आपने वोट डलवाना होता है पूरी साइंस है इसकी ठीक है अगर आपने वो लेबॉर्ट्री कायम नहीं की या आपकी लेबॉर्ट्री तितर बितर हो गई है तो आप वोटर से वोट नहीं डलवा सकते जो टेन परसेंट लोग हैं जो फ्लोट वोट जिसको हम कहते हैं उससे आप इलेक्शन नहीं जीत सकते सो तो बस एहतराम उन तमाम लोगों से ये कहते हैं जी कि इन हरकतों की वजह से इलेक्शन डिसाइड होते है? नहीं Uh, अर्बन एरियाज़ के अंदर और रूरल एरियाज़ में तो बहुत ज़्यादा होता है इलेक्शन दिन से पहले इलेक्शन डिसाइड हो जाता है कौन सा धड़ा किसकी तरफ खड़ा है कौन सी बिरादरी किसकी तरफ खड़ी है कौन सा फाइनेंसर किस तरफ खड़ा हुआ है फाइनेंसर जो है मैं आपको बता दूँ अगर उसको ये परसेप्शन मिल जाए जो पी के साथ हाथ हुआ है अगर आप समझे हाथ किया हुआ हाथ किया हुआ परसप्शन य है कि उन्होंने ताकत में नहीं आना लिहाजा आप चौक में चले जाएँ आप नान भाई की दुकान पे चले गए परसेप्शन ये है hmm. पॉपुलैरिटी की मैं बात परसेप्शन ये है तो जब परसेप्शन ये है और मैं फंड कर रहा हूँ एक एमपीए को मैंने उसके इलेक्शन के ऊपर 20 करोड़ रुपया लगाना है मुझे पता है आपने जीतना ही नहीं है मेरा दिमाग ख़राब है एक 20 करोड़ आप पर ज़ाया करूँ मैं नहीं करूँगा एक आप पर ज़ाया करूँ और उसके बाद जब आप हार जाएँ तो जो जी जीता होगा वो मुझसे नाराज़ होगा उसको राज़ी करने के लिए दस करोड़ उसको भी दूँ तो मैं तीस करोड़ का भाई खाता क्यों खोलूँ मैं आप इन्वेस्ट नहीं करूँगा नो इन्वेस्टमेंट नो इलेक्शन कैंपेन दैट्स हाउ एलेक्शन आर रन लेकिन ये नहीं होना चाहिए इस तरह करके नहीं जीत सकता मेरे ख़्याल में उनकी पोजिशन वीक है दो हज़ार अठारह में पीटीआई पॉपुलर थी बिल्कुल पॉपुलर थी क्या इतनी पॉपुलर थी कि वो इस सीटें निकाल ले नहीं वो आपने एक परसेप्शन बनाया जल्द से किए उसके बाद भी आर टी एस बिठाना पड़ा उसके बाद भी इंडिपेंडेंट करने पड़े बट वो जो ऑन द डे आप बीस परसेंट इधर उधर कर सकते हो वो मार्जिन होता है, आ, know, में, है करने का इससे ज्यादा नहीं होता ऐसा नहीं हो सकता दो, दो, कि सत्तर फीसद कि किसी को वोट दें और आप किसी और को खड़ा कर दें पॉसिबल नहीं वो आप टर्न आउट को स्टाइफल करके लोगों को उठा टर्न आउट को कैसे स्टाइफल करते हैं यस यस आप सही कह रहे हैं कि आप बल्कि अर्बन एरियाज के अंदर तो शायद इससे भी कम मार्जिन होगा सीटें आगे पीछे करने का दस पर बीस बहुत ज्यादा होता है क्योंकि आपने पोलिंग एजेंट्स वहाँ पे बिठाए होते हैं एवरीबडी इज़ वॉकिंग विद अ स्मार्ट फोन पीपल कम आउट एंड कंप्लेन, अ मिलियन थिंग्स हैपन इट गेट्स डॉक्यूमेंटेड इट गेट गोज वायरल तो बहुत मुश्किल है वोटर टर्नआउट बिल्कुल आपने सही कहा कि जब आप लोग ज़्यादा तादाद में वोट डालने आएंगे और अगर आते हैं तो जो लाएगा मैंने आपको पहले बता दिया उसका एडवांटेज है और वोटर आज खुद नहीं आता आज खुद सिर्फ कराची में एम के, के तो में। में एम के कहने भी आता था अलताविजान के दौर में बल्कि आज मैं एम के वहाँ पर क्या उन्होंने कहा जी इस मरत पहली मरतबा हमें वोटर को खुद लाना पड़ा हमें उनके घर जाना पड़ा है मैंने या। 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 कहा यार देखें कितनी बड़ी तब्दीली आई है पहले कहते ओ भाई लाए नजर आए इसको तो लोग आ जाते होते थे नहीं भी आते थे तो वोट डल जाते होते थे टाइम्स हैव चेंज नाउ इफ एम के एम रियलाइज हैव टू गो टू पीपल टू गेट दैम आउट अदर पार्टीज विल आल्सो हैव टू डू द सेम मुझे लगता ही है कि पी एम एल एन और पी टी आई के दो मुख्तलिफ किस्म के मसाइल हैं लेकिन उसका नतीजा ये निकलेगा वोटर ने बाहर नहीं आना पी एम एल एन ने आप कुछ उसको कम्पनसेट करने की कोशिश की है पी एम एल एन का ख्याल है कि चूँकि हमारे लिए मैदान खुला नजर आ रहा है लिहाजा यार लेजेंड घूम जाएगा हर तरफ कि पी एम एल जीत रही है तो मैं अगर वोटर में कहूँ यार जीत तो रही है मैंने वोट डालने की जरूरत ही नहीं है सो दिस लेजेंड विल स्प्रेड so people will not तो पीपल विल नॉट कम आउट एंड वोट बिकॉज दिंक द पार्टीज गैन सो वोटर टर्न go low, PTI may think that we are too popular, people will come out and vote or वो arrangement नहीं वो करेंगे जिस के arrangement के जरिए आपने voter को लेके आना है in both cases both parties can suffer, voter को आपको लाना पड़ता है ऐसे नहीं आता इसमें जो जजमेंट आया आपने उसका एक vlog भी किया लीगल analysis भी दिए कि भाई ओवर स्पीडिंग अगर कर रहे हैं तो कुछ चलान काटेगा ही ना तो ठीक है हम मान लेते हैं भाई इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं कराए हम मान लेते हैं, उनके जो लॉयर गए थे घटिया डिफेंस दिया वही मेरा लफ्ज है ना कमजोर मैं खुद आपके जो लफ्ज होते हैं उनको नहीं मुझे टोका आज मेरा नाम नुसरत जावेद होता तो मेरे पास सारी इजाजत होती है अल्फाजों की <laughs> <के>? <laughs> शजाद को एक घटिया भी इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी जा रही फिर भी दो इस्तेमाल किया गो भी हो मैं घटिया था तो इन द वाइडर इंटरेस्ट ऑफ डेमोक्रेसी इनके हम पहले देखते हैं भाई इलेक्शन सिंपल नहीं छीना गया सीनेट इलेक्शन सेट असाइड नेशनल uh, इलेक्शन में आपने डिस कर दिया है वोटर को राइट जो एक वेबसाइट्स बना लें गिट हब पे वेबसाइट्स बना लें इतना आसान नहीं है कि पूरे पाकिस्तान में हर किसी को पता होगा कि अगर मैं पीटीआई को वोट देना चाहता हूँ तो उसका कैंडिडेट क्या है उसका सिंबल क्या है तो आपने डिस्रेंचाइज तो किया है ना पाकिस्तान के वोटर को अच्छा काजी फायदा के कोर्ट के सामने इन तमाम कमजोरियों केस की कमजोरियों के बाद क्या ऑप्शन थी सो वी आर रिकमेंडिंग टू हिम कि दो फंडामेंटल uh, right uh, कर राइट uh, नहीं तो इलेक्शन उन्होंने नहीं थे प्रोसीजर इज वेरी क्लियर ऑन दैट बिल्कुल ठीक है लेकिन चूंकि नतज इसके खतरनाक निकलते हैं तो फिर आपको ये कंसेशन दे डोंट गेट अ टिकट सो आई से जो मैंने वही इस्तेमाल किया कि मेरा दोस्त मर रहा है वो कहता है चले हम जाने देते तो कंसेशन ही देगा ना रूल्स में कोई नहीं है रिफ... नहीं, I mean, विच द कॉन्स्टिट्यूशन जो है फंडामेंटल राइट जो है ना वो डालने का हाँ सिम्बल लेने का फंडामेंटल राइट right जो है ना वो वो सब्जेक्ट टू सर्टन कंडीशन है अगर वो कंडीशन क्वालिफाई नहीं करते आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें आप कहें यार मैं क्वालिफाई तो करता हूँ लेकिन भाई देखो ना ये मेरा मसला है क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूँ

हम आपको एक और चांस देते हैं आप सात दिन में करवा लें यह भी हो सकता था सात दिन में करवा लें लेकिन आ, ये वो कंसेशन है वो बहुत अरसे से एग्जॉस्ट कर चुके हैं 2017 के अंदर भी मैंने वो बाकायदा उसमें कोर्ट भी किया था, था। उनसे इलेक्शंस के मौके पे सिंबल ले लिया गया था यह अगर आ, रिपीट आ, एक पाकिस्तान का पॉलिटिशन है यूके के अंदर उसको सजा हुई है अजीब गरीब केस में मैं उसको ज़रा रेफर नहीं करना चाहता खातीन का मामला उसमें तो जज ने जो उसको जजमेंट दी ना वो एक केस था उसकी कोई कॉन्वर्सेशन टेप हो गई थी तो उस केस के बेसिस पे नहीं दी उसने जजमेंट दिया कि तुम्हारा पुराना जो बिहेवियर था तो पिछले आठ साल से यही काम करते चले आ रहे हो अगर तुमने ना किए होते तो मैं आपको बेनिफिट ऑफ द डाउट दे देता तो एक पार्टी जो तसलसल के साथ इंतबात के नाम पर वो धोखा दे रही है अपने ही वोटर को उसके लिए कंसेशन लेना मुश्किल है बट इट इज़ ओपन टू डिबेट कि डीडी वाज ही टू नैरो माइंडेड वाज ही बायस्ड वाज ही टू प्रोसीजरली ओरिएंटेड मिस द लार्जर पॉइंट यू कैन डिबेट इट बट यू कांट से इट्स अ फॉल्टी जजमेंट मतलब यू कुड से कि यार सबस्टैंडिव इसका इंपैक्ट बहुत ज़्यादा हुआ है जज साहब को ऐसा नहीं।, नहीं करना चाहिए था लेकिन आप फिर आर्गूमेंट कोई और कर रहे हैं नहीं तो आप केस लॉ की बेसिस भी कर रहे हैं ना पास में पाकिस्तान एटीज का केस है तो ले आते नहीं ना केस लॉ पर जज के सामने ले ले आते ना केस लॉ मैं कल एक मूवी देख रहा था वो उसमें आ, आ, डबल जेपर्डी वो पुरानी मूवी है hmm. उसके अंदर खातून अपने लॉयर से कहती है कि तुम्हारा ख्याल है कि मैंने हस, अपने हस्बैंड को कत्ल किया तो लॉयर का पहला जवाब बड़ा दिलचस्प होता है कहता है इट डजेंट मैटर वट वट वी लॉयर्स थिंक वट रियली मैटर्स इज वट द लॉ थिंक्स सो द पॉइंट इज इट रियली मैटर वट यू एंड आई थिंक वैन इट गोज बिफोर द जज द जज सेज यू नो साइट मी अ केस स्टडी प्लीड यूर केस गिव मी साइटेशन गिव मी पेपर्स एंड इट्स एन ओपन कोर्ट ऑफ लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था जज अगर उसके ऊपर डंडी मारे हैं तो जज फिर अपना अपने आप को तबाह करें आई थिंक दे जस्ट मिस्ड अ मैसेव अपॉर्चुनिटी इवन नाउ एज वी स्पीक जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जज बशीर नुमा अदालतें जो हैं वो इनके वकला सफाई को ढूंढते रहते हैं वकला सफाई नहीं है वजह क्या है सारों को आपने टिकट दी हुई सारे अपने इलेक्शन कैंपेन कर रहे हैं मतलब कोई तरीकाकार होता है ना बेनजी भोटो वेंट थ्रू रिमार्केबली टॉर्चरस एंड ऑप्रेसिव सिस्टम आसफ अली और उनकी हमशीरा उनकी आप फॉल्ट आपको नजर नहीं आएगी यहाँ पे गरीब लीगल टीम है जो हल्के में इलेक्शन भी कर रही है वो पार्टी का स्पोक्स पर्सन भी है वो केसेस भी लड़ रही है आई थिंक जस्ट मेस्ट इट अपने कितना उनका फायदा होता आई डोंट नो बट वी विल नो क्योंकि उन्होंने कभी वो काम किया ही नहीं है तो

केस जी मिड नाइट कोर्ट्स लग रहे हैं रातों में हो रहे हैं अंधेरों में हो रहा है तो ये तो जानबूझ के क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है ना, ना जिस चीज़ में हम काजी फैजा की तारीफ़ कर रहे हैं बिल्कुल उसमें बोलेंगे जिस तरीके से लोकल के जो जिस तरीके से लोकल कोर्ट्स ने उसको हैंडल किया आ, क्योंकि जस्टिस के दो पहलू हैं ना कि एक तो इंसाफ को होना चाहिए फिर होते हुए नज़र भी आना चाहिए तो होने पर तो मैं तो कन्विंसूँ कि मेरिट है केस के अंदर होता हुआ नजर नहीं आया ना तो दैस पेयर दिस्टम सो हू से क्योंकि एक ऐसे जजस जो एग्जॉस्ट हो चुके हैं इस तम, इन तमाम तनाजों के अंदर ओवर uh, डिप्लॉयड हैं आप कह दें ओवर यूज हैं उनसे आप uh, कलमा हक जब बुलंद करवाएंगे तो उसका मेरिट ऑटोमेटिकली क्वेश्चनेबल होगा साइफर uh, um, केस वेरी स्ट्रॉन्ग केस वेरी सीरियस केस ह्यूज इम्प्लिकेशन्स तोशाखाना केस प्रोसीजली वेरी स्ट्रॉन्ग इम्पैकेबल एविडेंस इज़ अवेलेबल और ये उस वक्त से मैं आपको बताऊँ तीन साल पहले से जब ये चीज़ें तस्वीरें हमारे सामने आनी शुरू हुई मैंने तो पहली मरता फ्रेंकली जब तो ब्रांड्स मैंने पहली मरता देखे ग्राफ uh, का मैंने कहा ग्राफ का क्या होगा उसने जब पैसे मुझे बताए

क्या हमने तमाम चीज़ें देखी हुई हैं लेकिन इस तरह तोहफों का फिर जब वो चीज़ें सामने आनी शुरू हुई तो बहुत अर्सा पहले से दिस मटेरियल वाज फ्लोटिंग अराउंड इसमें मिलिट्री सेक्ट्री का भी किरदार है देखें जब आप प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो अगर मैं आपका मिलिट्री सेक्ट्री हूँ तो उन्होंने मुझे तोहफ़ा देना है तो वो आपके हाथ में तोहफ़ा तो नहीं देंगे मुझे देंगे आई एम द डॉक्यूमेंटर तो मैंने उसको हैंडल करना है उसके बाद मैं अगर आपको बताऊँगा कि सर ये तोहफा है तो आप मुझे कहेंगे यार एवेल्यूशन करवा लो लेकिन पहले तोहशा खाना के अंदर रखवा दो प्रोसीजर पूरा करो आपके यही होगा प्रोसीजर ने पूरा किया टेबल क्लॉथ तक रख लिए यार मैं इसको क्या कहूँ अब आई कुड नॉट बिलीव इट आई बी वेरी ऑनस्ट वीज्यू हालांकि मैं बहुत क्रिटिकल हूँ सैनिक भी हूँ और मैं बड़ी अजीब व गरीब चीज़ें देखी हैं हमने बड़े बड़े बंदों को अपने ऑफिस से जाते हुए कारपेट्स उतारते हुए देखा हमने एसटेज उनको ले जाते हुए देखा है ये विटनेसों में इसका बट आई नेवर था कि ये इस लेवल पर हो सकता है इट इज़ देयर हम जो सऊदीज ये बातें करते हैं जो आप कभी उनके अम्बेसडर को बुलाएं ना उनसे खैर बहुत महब लोग हैं दैट हैंट वायद आपसे बात ना करें बट माई गॉड डिटेटेड टू डिस्कवर यार जो आपने ये दी थी वो ऑप्शन करवा दी या फिर उन्होंने खैर एनी सो इट वॉज टू स्कैंडलस वन इज नॉट आर्ग्यूइंग दैट दीज आर नॉट स्कैंडस जो आदमी कहता था मुझे क्या ज़रूरत है प्राइम मिनिस्टर बनने की वो प्राइम मिनिस्टर बनकर घड़ियाँ बेच रहे उसके अगर आप नंबर्स भी देख लें तो इन फ्यू मंथ्स बिकम प्राइम मिनिस्टर ही मेड मोर मनी

एक वो सिलसिला शुरू हो गया है कि खान साहब तो बहुत बेचारे थे ये बस एक पीरनी के हाथ में आ गए वो बेचारे थे मैंने कहा इस केस में उनके साथ हाथ हो गया मुझे लगता है आई कुड भी रॉन्ग मेरे पास कौन सी हतमी इन्फॉमेशन है बल्कि मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है ही नहीं मैं तो सिर्फ उस माहौल को जहन में रखते हुए जिसके बारे में मुझे अदराक है मैं आपको एक एजुकेटेड गेस्ट दे रहा हूँ ये बहुत डीप सीटेड इन्वामेंट क्रिएट किया हुआ था बुशरा साहबा ने इमरान खान Uh, की सारी जिंदगी जो है आप कहें कि आप किस बेसिस पे कह रहे हैं इमरान ख़ान की सारी ज़िंदगी आउटसोर्सिंग पे डिपेंड करती है उन्होंने मिश्रा मैंने कहा अपनी लग्जरी आउटसोर्स की हुई है उन्होंने अपनी कंफर्ट आउटसोर्स की हुई है उन्होंने बच्चों को बच्चों की तालीम बच्चों की तरबियत आउटसोर्स की हुई है घर का खर्चा आउटसोर्स किया हुआ है तो उनको आउटसोर्स करने की आदत थी उन्होंने आज़म खान को चीज़ें आउटसोर्स की हुई थी उन्होंने अपने मिलिट्री सेक्ट्री को आउटसोर्स की हुई थी अच्छा आउटसोर्सिंग की मुराद नहीं कि वंदा एतम आउट सोरसिंग उस वक्त तक काबिल कबूल है जब सारी चीज़ें मुझे फ़ायदा दें तो ये आउटसोर्सिंग से वो फ़ायदा उठाते थे, थे लेकिन आउटसोर्सिंग का मसला ये कि जब आप फ़ायदा उठा रहे होते हैं जो नीचे बैठा हुआ था वो भी बहुत फ़ायदा उठाता तो है गोगी एंड बश्रा जो हैं दे प्री डेट इमरान खान एसोसिएशन विद बश्रा बड़ी पुरानी दोस्ती है उनके बड़ा पुराना नेटवर्क है तो मेरा ख्याल ये है कि ख़ान साहब के साथ उन ख़ुद भी अपनी बनावट अपने तसन् तसन्

पेशावर परवट्स नाम की टीम में आप बॉलिंग करवा रहे हैं पैसे कमाने के लिए एक अबराज के जो फाउंडर हैं जो लेटर उनका जो स्कैंडल आया तो नेम वो हाँ लिखा हुआ था अब आप बोलेंगे आप ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं बट वो नाम फाइनेंशियल टाइम्स ने किया ड्रा करें प्लीज ये ना कहीं इंप्रेशन आप लें कि मैं कह रहा हूँ कि इमरान खान को पता नहीं था मैं कह रहा हूँ कि जिस स्केल के ऊपर ये काम हो रहा था जिस बारीक जो बारीक वारदात हो रही थी एक के करीब तोहफे तइफ हैं जो डॉक्यूमेंटेड है जो वैसे ही टेबल के नीचे से चले गए उनका तो हिसाब ही कोई नहीं है ना तो एवरी पॉसिबिलिटी तो खान अलोन सो वन इज नॉट से इमरान खान फायदे नहीं उठाए नॉट से फाइनेंशियल करप्शन का एविडेंस नहीं है सेइंग इज सेंगे जब इस्टेब्लिशमेंट का कोई आंख का तारा बन जाता है तो वो फिर ये सारी चीज़ें साइडलाइन हो जाती हैं जिस तरह खान साहब को लग रहा था मैं तो अनटचेबल हूँ कौन मुझे कल आके पूछेगा तब वो सब उनको सौ गुना सात खून माफ थे आज ये सब एक्सूज़ हमारे प्रिंसिपल पे बन गए मैं, मैंने तो, तो आप शुरू तो, दिन से एग्री किया हुआ है तो वंस वी सेंगे जी इमरान खान प्रोजेक्ट वायर वी नॉट के नवाज शरीफ प्रोजेक्ट वायर वी नॉट के इन्होंने भी इनकी भी तोशाखाना स्कैंडल्स है इन्होंने भी करप्शन की है इतफा फाउंड्री वाला भी केस है पी के भी वो लिस्ट हैं तो कहते रहे ना नवाज शरीफ के ऊपर मैंने बहुत तनकी दी है मैं, मैं, मैं उस तोन के हक हाँ में नहीं हूं देर यहां पर आकर मैं तोन क्रिएट करने के हक हाँ में नहीं हूं जो इशू इन फोकस है आप उसी के ऊपर फोकस करेंगे नवाज शरीफ की रिजीम होगी तो नवाज शरीफ के केसेस अगर वो मेरिट के ऊपर आते हैं बिल्कुल डिस्कस करेंगे लेकिन आप ये कहेंगे क्योंकि उन्होंने किया था चुनाचा ये इसके ऊपर फोकस क्यों कर रहे हैं दैट इज़ रॉन्ग अभी ये खबर है तो मुझे इसके ऊपर फोकस करना है दूसरी बात यह कि जो प्रोसीजर वायलेट हुआ है वो यूनिक है देखिए आपके पास जर मैंने कहा कि एक तो आपको पहले तोशाखाना के अंदर आपको चीज़ें जमा करवानी होती है उसके बाद आपको एफिडेविट देना होता है कि मैंने अपने जाती इस्तेमाल के लिए ली है उसके बाद जब आपने पेमेंट करनी होती है तो क्रॉस चेक के ज़रिए पेमेंट करनी होती है ताकि आप बताएं कि भैया अपनी जेब से मैं ले रहा हूँ ये मेरा सोर्स ऑफ इनकम है इतना आयरन टाइट प्रोसीजर है उसके बीच में वैल्यूएशन भी करवानी होती है और वैल्यूएशन मेरे जैसे लोगों से नहीं करानी थी जिसको पता ही नहीं है कि भाई वैल्यूएशन क्वेश्चनेबल ही होती है लेकिन अंडर वैल्यू होती है अंडर वैल्यू होती है लेकिन जब आप काम के ज्वेलर के पास तो जा सकते हैं यार आप कि आपने वहाँ से पकड़ा नाज सर में किसान में से बंदा उठाया और उससे वैल्यूएशन करवा दिया उसने जिंदगी में कभी फेक ज्वेलरी के अलावा कोई चीज़ नहीं देखी उसने कह दी इतने कहा गया सो देर आर वेज टू डू इट एंड देर एक्सपर्ट्स अवेलेबल उसके बाद फिर आप उसको ख़रीदते हैं या फिर जस्टिफाई करते हैं वरना फिर ऑप्शन करवा लेते हैं ऑप्शन में से आप आ, वो ख़रीद लें आपने प्रोसीजर वायलेट किया तो दूसरे जो केसेस हैं मेरे ख्याल में उसके अंदर भी तहकीक होनी चाहिए क्या यह प्रोसीजर वायलेट हुआ अंडर वैल्यूएशन हुई आई कम्प्लीटली एग्री विद यू नवाज शीफ ने अगर किया है तो बिल्कुल अगर मरियम के हक में या मुखालफ कोई उसने कोई मर्सिडीज गाड़ी ली है तो करवा लें उसकी तहकीक तहकीको किसने रोका हुआ है आप कहेंगे इस्टेबलिशमेंट नहीं करने देती हैं इस्टब्लिशमेंट नहीं करने के ऊपर कोई कदगन नहीं है इस्टबलिशमेंट कब करती है आपका मुकदमा ये ना कि अब अब कर रही है पहले नहीं कर रही थी तो भैया दूसरे लोग जो बैठे हुए हैं वो मुकदमे खोल लें ले ना क्यों नहीं मुकदमे लेके जाते नवाज शरीफ के खिलाफ और आसफ अलीजारी के खिलाफ बाग दोबारा से तोशाखाना के ऊपर तो कर लेना इतनी लॉयर्स की टीम है बट आई एम सेग कि इस्टेब्लिशमेंट एक बहुत बड़ा इंफ्लुंस है पाकिस्तान के अंदर उसके साथ आप इंगेज करेंगे ना उनकी दोस्ती अच्छी है ना उनकी दुश्मनी अच्छी है तो जब आप उनके बेनिफिशियरी बन के निज़ाम के अंदर आएंगे और अगर इस मरतबा नवाज़ शरीफ ने वाक़ा अंडरस्टैंडिंग के साथ आ रहे हैं इट्स अ बैड डील आई एम टेलिंग यू अनवाइबल हो जाएगा क्योंकि इस्टेबलिशमेंट का अपना सोचने का तरीका है वो मैनुअल के ज़रिए काम करते हैं और मैनुअल को अमेंड नहीं करते आपके लिए और मेरे लिए वो मैनुअल उन्होंने वही रखा हुआ है पार्टी बनानी कैसे है पार्टी तोड़नी कैसे है तो एज ए जर्नलिस्ट जो रिपोर्ट कर रहे हैं आपको क्या लगता है कि हमें स्टिक uh, करना चाहिए भी मेरा मेरेब्लिशमेंट स्टैब्लिश की इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए मेरे प्रिंसिपल्स हैं आई विल स्ट टू दैट आई विल कीप रिपीटिंग दैट और जो जो जिस तरह कहते हैं बर्थ को भी तो समझो आपको वो या इस्टबलिशमेंट को भी समझो उनकी क्या मजबूरी है वो क्या करते हैं अगर जैसे फोरसा आसिम मुन्नी ने भी रिसेंटली कहा कि ऐसा नहीं हो सकता अगर आप मुल्क तोड़ रहे हैं तो आप बस पाँच साल आपको चलाने देंशमेंट का मैनुअल है बंदा ये पूछे कि आप कौन से डिसाइड करने वाले कौन किस वक्त मुल्क तोड़ रहे हैं ट्वीट नहीं नहीं पढ़ा पढ़ा उसके ऊपर मैं देता बता दें नहीं मुझे अब याद रहे मैं इतने ट्वीट करता हूँ बढ़ा इतनी अच्छी आपने अल्फाजों में लिखा था आप, आप, एग्जैक्ट वर्डिंग भी मेरे ऊपर नीचे ना नहीं नहीं मैं, 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 मैं आपको बता ट्यार दे। देता हूँ आपने इसी अब यहाँ पे आपके चूँकि सिग्नल नहीं आ रहे मैंने मैंने उसका ये था कि जनरल साहब ने ये बात की है जब जनरल साहब जब फौजी ये बात करते हैं तो जब वो कर रहे होते हैं तो बड़ी अच्छी सुनाई देती है लेकिन तारीखी तौर पर यह साबित शुदा है मुसलमान उसूल है कि ना ये जर्नैलों के लिए अच्छी बात साबित होती है ना सियासत के लिए अच्छी बात साबित होती है एक ट्वीट दिखाएं किसी ने ऐसा ट्वीट किया तो मैं यही कर सकता हूं ना तजिया कर सकता हूं एंड आई एम सेइंग अभी आपके पॉडकास्ट के अंदर भी मैंने जब बात की कि जिस ग्रामर से इस्टबलिशमेंट सियासत चलाना चाहती है वो पहले भी गलत थी अब भी गलत है इंसेनिटी uh, की डेफिनेशन यही है कि आप एक ही गलती को दोहराते जाएं और नतीजा मुख्तलिफ उससे तो करें अ सिस्टम मेनुपुलेटेड इज़ अ मीनूपुलेटेड सिस्टम तो इसमें तो कोई दो राय है नहीं लेकिन ये स्टैब्लिशमेंट का कहिएब्लिशमेंट का मैनुअल चेंज करवाएं मैं मैनुअल नहीं चेंज करवा सकता बट आप अगर कंटेंट बना रहे हैं आप चैनल्स में भी रह चुके हैं आप कंटेंट डायरेक्शन भी देते हैं एज पीपल हु आर लिसनिंग अब तो वो न्यूज़ एडिटोरियल वाली चीज़ें नहीं रही लोग अपने यूट्यूब पर कर रहे होंगे तो दे आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग फ्रॉम यू राइट क्या चैनल नाइक में हो जाता है अब इस्टेब्लिशमेंट करिएत कर रही है अब आप बैठे हुए डिसाइड कर रहे हैं हमने कॉन्टेंट क्या बनाना है यू मेक कॉन्टेंट कैसे स्टैब्बमेंट गलत करिए ये प्रिंसिपल्स हैं ये लॉज हैं और ड्यू डू समथिंग लाइक नहीं आप उनको भी तो समझे ना आप उनकी मजबूरी मैंने कभी ये ने ने उनको ने, चैलेंज कर दिया उनका ईगो हर्ट हो गया अब वो आगे से यही करें करेंगे मैंने जस्ट मैंने कभी इसको एज अ जस्टिफिकेशन नहीं दी एनालिसिस इज़ नॉट अ जस्टिफिकेशन सो आप मुझे कह रहे हैं कि अगर मैं डॉक्टर हूँ और uh, मेरे पास एक मरीज़ आता है और वो मुझे कहता है जी मेरे हार्ट की असेसमेंट करके दें तो मैं कार्डियोलॉजिस्ट कार्डियलॉजिस्ट मैं कहूँ यार तुम्हारी ये वेन भी बंद है ये वेन भी बंद है मुमकिन तौर पर तुम्हें हार्ट अटैक हो जाएगा तो आप मुझे कहें कि यार ये आप क्यों कह रहे हैं मैं आपको डायग्नोस्टिक्स दे रहा हूँ मैं आपको बता रहा हूँ एज थिंग्स आर इस्टैब्लिशमेंट दिस इज इस्टैब्लिशमेंट मैनुअल दिस इज वॉट इस्टैब्लिशमेंट डज यू डू दिस दिज आर द कॉन्सिक्वेंस फॉर द दैब्लिशमेंट फॉर पीपल एंड फॉर फॉर द पॉलिटिशियंस मेरी पो, पोजिशन क्या ऐसा नहीं होना चाहिए

एक तो मैं आपको बता दूं कि मैंने उसके एक पेज पूरे पढ़े फिर आप कहते हैं और जर्नलिस्ट के पास बहुत टाइम है हाँ <laughs> हाँ हा, एक एक मीडिया इवेंट है ना भाई uh, मैं तो जजों के वर्डिक्स uh, भी पढ़ता हूँ uh, मैंने तो अभी जेल मैनुअल भी पूरा पढ़ा है uh, बड़ी लंबी जोड़ी उसकी तफसील है इट्स माई जॉब टू रीड वट इज़ मेकिंग न्यूज़ लाइक इट वॉज माई जॉब टू बेसिकली लुक एट समस्ट एंड सी वट इज डज़

Um, uh, मौलवी फकीर साहब मैं उनकी अदालत के अंदर भी बैठा हुआ था जब के केसेस चल रहे थे इस्लामाबाद के अंदर मैं वो भी कवर कर रहा था यू आर टेलिंग मी एज अ जर्नलिस्ट यू डिसाइड विच इवेंट के ऊपर मुझे है। question, मैंने आपको बता दिया हूँ भाई आप मुझे कहें यारी का केस है इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट ना बट जजराज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इट वॉज इट वॉज इट वॉज नॉट एन इम्पॉर्टेंट इवेंट एंड आईड इम्पोर्ट ऑन इट आपने मेरा उसके ऊपर वीलॉग देखा उस किताब के ऊपर मैंने उसको उधेड़ के रख दिया उस किताब को आपने नहीं देखा ना यही तो मसला है आई गो टू मैनी इवेंट जो इतने अहम नहीं होते पॉडकास्ट भी तो कर रहा हूं ना पॉडकास्ट भी तो कर रहा हूं ना क्योंकि अहम इवेंट है ये मेरी जजमेंट है आ, वो इवेंट मैं गया वो अहम इवेंट नहीं था मैंने उसको नहीं कवर किया लेकिन आप मुझे कहें यार आपको जाना चाहिए ये आपने क्या बात की यू आर बींग जजमेंटल आई एम बींग रिपोर्टर मैं सवाल पूछ रहा हूं आप नहीं, नहीं, आपने कहा कि

तो आप मुझे मुझे मेरा काम ना समझाए ना कि मैंने काम मैं कैसे कैसा काम नहीं समझा मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैं आपको बता रहा हूँ कि बतौर रिपोर्टर एंड एनालिस्ट आई वुड वॉन्ट टू बी एट इवेंट्स वेर आई वॉन्ट टू बी एंड दैट्स माई न्यूज जजमेंट ना वाट मेक्स मी डिसाइड दैट फ्रेंकली ये एक इनर मैकेनिज्म है उसमें बड़ा तजर्बा भी इन्वॉल्व है लेकिन आप मुझसे तब सवाल करते मेरे क्रेडेंशियल्स के बारे में बुक इंडोर्समेंट के बारे में जब मैंने उसको कहा होगा कि वाह 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 जब मैंने उनके मैंने इंटरव्यूज़ किया मैंने तो उसको कोई इंटरव्यू नहीं किया टी वी पर इंटरव्यूज हुए ना उनके चले उनके बुक के बड़े अच्छे रिव्यू भी हुए बट आई टेल यू वन थिंग अबाउट दैट बुक अगर मिस हाजरा ने यह बुक सही तरीके से लिखी होती ये बहुत डिवर्सिंग बुक होती बहुत बुक होती इस वजह से नहीं कि हाजरा है और इमरान है इस वजह से कि ये एक कम्बिनेशन uh, है उस अंडर वर्ल्ड का जिसके अंदर लीडर्स ऑपरेट करते और ये दुनिया में किसी भी जगह के ऊपर इस किस्म की जो पर्सनल विसल ब्लोइंग है अगर वो तरीके के साथ लिखी जाए आई एम आई एम अ ग्रेट बिलीवर इन राइट काइंड ऑफ क्राफ्टिंग ऑफ सेंटेंसेस तो अगर आपने अच्छा मुकदमा लड़ना है वकला की तरह आपके पास मवाद जितना मर्जी अच्छा हो अगर आप उसको सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते पोरली प्रेजेंटेड ये ये किताबें लिखी जाती हैं लिखवाई जाती हैं आई डोंट नो लिखवाई जाती राय में ये जो किताब आई है ये आई थिंकलिशमेंट की तरफ से आई है या ये इंडिपेंडेंटली हाजिर हैं खुद किया तो हाजरा से पूछ रहे मुझसे क्या पूछ रहे आपकी राय आई थिंक हाजरा हैज अ स्टोरी टू टेल एंड हाजरा को हो सकता कहा कि यार कर दो लेकिन मेरा मानना ये है वैसे आपस की बात है प्योरली गोइंग बाय एनेक्डोटल एविडेंस कि अगर इसको लिखवाई होती ना तो अच्छी लिखी होती मुझे लगता है उन्होंने खुद ही लिखी नहीं आ, लिख हाँ, भाँ, भाँ, को 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 है नहीं ऐसा तो नहीं है भाई आपने वारदात करनी है तो बहुत अच्छी वारदात कर लेना फिर ये बहुत अच्छी तरीके से हो सकती थी बहुत सारा कॉन्टेंट इसका बहुत कुछ पर इदारों ने ही लोगों को बुलाया था मैं मुझे हैरानी नहीं होगी अगर उन्हें भेजें मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होगी uh, क्योंकि ये होता ऐसे ही है कि आपने जिस बंदे को रंगेदना होता है उसके खिलाफ कोई इवेंट हो रहा तो आप वो हॉल भर देंगे Uh, लेकिन आई दिस जनरली आपकी क्या राय अगर जर्नलिस्ट यंग जर्नलिस्ट सुन रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से आपने इंफॉर्मेशन लेनी है रबे रखने वो तो आपको कॉन्टैक्ट करते हैं आप उनके ऑर्बिट में कितना आए कितना ना आए कम्प्लीटली अवॉइड करें क्या रिश्ता बहुत मुश्किल सवाल आपने कर लिया इस वजह से क्योंकि ये इट्स अ वेरी टाइट रोप वॉकिंग जिस मैंने आपको बाजोड़ वाले हेलीकॉप्टर की मिसाल दी थी इट्स अ टफ जजमेंट कॉल दे मैनी जर्नलिट से आप अगर मैं वहाँ पे जाके कैमरा सीधा करके रिपोर्ट नहीं कर सकता मुझे जाने की ज़रूरत नहीं है नहीं जाना चाहिए सो आई मिस द स्टोरी देर अदर जर्नलिस्ट वुड से सेक यार लेट मी टेक अ हैली रत्तर परसेंट उनका होगा बीस परसेंट मुझे चीज़ की समझ आ जाएगी जब मैं समझ आ जाएगी तजिए के अंदर रिफ्लेक्ट कर लूँगा सो so ये बड़ी डायनामिक किस्म की सिचुएशन है एक मैं फंडामेंटल असूल आपको बता दूँ दुनिया की सिर्फ पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा दुनिया की कोई भी इस्टेब्लिशमेंट हो और वो पार्टीज़ के अपनी स्टैब्लिशमेंट्स भी हैं ग्रुप्स के अपनी स्टैब्लिशमेंट है नून की अपनी स्टेब्लिशमेंट है इमरान की अपनी इस्टेब्लिशमेंट थी एम के एम की अपनी स्टेबलिशमेंट है आप आ, किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ दोस्ती नहीं कर सकते उसकी वजह क्या है दुश्मनी की बात दुश्मनी पर आऊंगा उन्होंने अपना काम करना है और आपने अपना काम करना है अगर कहीं पर बाउंड्रीज ओवरलैप हो रही हैं और आपके काम के फंडामेंटल्स जो है वो खराब नहीं हो रहे तो आप बिल्कुल जोड़ मिलाएं लेकिन आप उनके काम का टूल नहीं बन सकते दैट इज़ नॉट ऑन वो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल होगी क्रेडिबिलिटी के हवाले से दूसरा काम ये कि जब आप टूल नहीं बनेंगे तो फिर अब वो आपके दुश्मन होंगे ये बहुत बड़ी मिथ है वो सबसे बड़े दुश्मन पता किसके होते हैं जो उनके लिए काम करते हैं और उसके बाद सीना फुला के कहते हैं हम तो बड़े रेवोल्यूशनरी हैं दुनिया में कोई इस्टेब्लिशमेंट उन लोगों को उन ग्रोहों को उन मफात को स्पेयर नहीं करेगी जो पहले उनसे फ़ायदा उठाते हैं उनके उनके साथ काम करते हैं और उसके बाद यकदम उनको आ, बताते हैं कि हम कितने चेय वगैरह बन गए हैं नो इस्टिशमेंट विल्स पे तालिबान विल नॉट स्पे यू सी आई ए विल नॉट स्पे यू पाकिस्तानी इस्टब्लिशमेंट विल नॉट स्पेम नो बड़ी विल स्पेयर यू सो काम भाई आपने कभी नहीं करना गली का कुत्ता भोंग सकता है घर का कुत्ता नहीं भोंग सकता नहीं यू 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 गॉट गॉट टू टू रियली बी इन दैट फाइन लाइन अच्छा वो फाइन लाइन हर मरतब आप मेनटेन नहीं कर सकते तो बहुत सारे यंग जर्नलिस्ट हैं दे विल मेक जज एरर करेंगे अपनी जजमेंट uh, का लेकिन उस जजमेंट को करेक्ट कर लें अगर आपसे गलती होती है आपने मिसफीड हो जाती है इंफॉमेशन आपको पता चल जाना चाहिए कि सोर्स की क्रेडिबिलिटी क्या है और जो भी मालूम आए हमारे यहाँ पर दूसरा असूल बड़ा सादा सा है वो ये है कि हमेशा उन मालूम के बारे में शक में मुबतला रहे हैं जो आपको आपका पीछा कर रही हैं एज अ जर्नलिस्ट यू शुड भी चेजिंग न्यूज़ वाई इज़ न्यूज़ चेजिंग यू सो वेन न्यूज़ इज चीजिंग यू दैट न्यूज़ मस्ट है कि भैया आपको कॉल करके खबर दे रहा है भाई क्यों आप मुझे खबर दे रहे हैं so सो मेरे तो इंटरनेश फॉरन खड़े हो जाते हैं कि यू सेंडिंग मी न्यूज बट वाई यूंग मी न्यूज देन आई हैव टू डिसाइड को मैंने वेरीफाई कैसे करना ये सिर्फ न्यूज़ तक एप्लीकेबल नहीं है एडवाइस अगर आपकी इतनी चीज़ करें तो कोई ना कोई मैं मसला मसाल होगा इसको अगर मैं टेंजल पूछूँ सही कह रहे हैं अगर कोई यंग जर्नलिस्ट है वो कुछ रिपोर्ट करता है उसको फ़ोन आता है कि यार आपने बहुत सी रिपोर्ट की हमारे अपने मौकफ़ ले लेते हैं इस बारे में हम आपको समझाएं एक्चुअली हुआ क्या था आप मिलने लेना चाहिए लेना चाहिए मिलने बिल्कुल क्यों नहीं मिले या बोले कि आप मौके दे दें दे अपना भेज दें मुझे वो डिपेंड करता है ना आपने कम्युनिकेशन किस लेवल कर दिखना है तो तौर पर मिलना है तो तौर पर मिलने कोई नहीं हर हर मिलना नन वर्ड भाई आप इलामी कैफियत में तो साफी नहीं है ना यू गॉट टू डू योर लेग वर्क आपको आई से भी मिलना है आपको एम से भी मिलना है आपको आर्मी चीफ से मिलना है आपको लोगों में घूमना है बाजार में जाना है आपको ए के डी से मिलना है आपको टब्बा से मिलना है आपको चनौए से मिलना है मरियम से मिलना है शीर मजारी से मिलना यू नो दिस इज़ वॉट यू डू लेकिन ये करते करते दोस्ती ना बनाएं आपने मुझसे ऑफ द रिकॉर्ड मैंने आपको एक और भी बात कही थी कि यू यूसेट के आपके दोस्त हैं मैंने कहा आई हैव नो फ्रेंड्स विच एक्चुअली अ फैक्ट आई हैव नो फ्रेंड्स इन माई ओन प्रोफेशन आई कांट अफोर्ड टू हैव फ्रेंड्स कि मैं अब दोस्ती कर लूँ तो कल को मुझे रिपोर्ट करना पड़े आपको एक दिलचस्प बात बता दो बेलूवी कंपनी है उसने वो ऑफ़र करते होते हैं जर्नलिस्ट को कि जी आप जाएँ ऑफिशियल ट्रिप्स के ऊपर अच्छा मैंने नाइनटीन एटी एंड से जर्नलिज्म शुरू किया 2024 के अंदर आ, इतना तजर्बा करने के बाद मैं आपके पॉडकास्ट में बैठा हूँ तो यानी ज़्यादा कुछ नहीं अचीव किया कुछ नहीं कुछ नहीं ये मैंने में आप बता रहे थे आपने <laughs> बोला बीच में मौका आ गया शाद को जलील करने का ये तो नहीं जाने दूल्टा <laughs> ढूंढनी भी पड़ती कभी कभी <laughs> जी बैन लाफ़ मैंने नहीं मैं। इस्तेमाल किया जी जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, <laughs> तो अच्छा तो एक कारपोरेट सेक्टर से उनकी थी बिग कंपनी तो उन्होंने ऑफर किया मुझे और दोस्त था मेरा वर्ल्ड uh, कप हो रहा था इंग्लैंड में कब हुआ था सॉकर वर्ल्ड कप उन दिनों में ना तो ओलंपिक्स हो रहे थे ओलंपिक्स हो रहे थे जो भी जब भी था तो ही केम टू माय हाउस एंड ही सेड कि जी हमने आपके लिए टिकट्स का बंदोबस्त किया है तो आप बेकिंग को साथ लेके चलें और वहाँ पे आपने मेरियट में ठहरना है और आपको सेमीफाइनल फाइनल हमें एक दिखाएँगे और उसके बाद बारह चौदह दिन का ट्रिप है ऑल पेड फॉर कॉरपोरेट सेक्टर से तो उसको मैंने कहा मैंने कहा यार चला तो मैं जाऊँ लेकिन मसला अगर जब मैं वापस आऊँ और मैं तेरे ब्रांड की एक बोतल खोलूँ कोल्ड ड्रिंक है तो उसमें से अगर मक्खी निकल आए तो विल आई बी एबल टू रिपोर्ट ऑन इट सो आर यू सेंग आई एम सेंग इज़ दैट टुमारो अ प्रॉब्लम दैट आई हैव टू एड्रेस विद रिगार्ड टू योर ब्रांड विल आई बी एबल टू ट्वीट ऑन इट ट्वीट तो खास को नहीं रिपोर्ट ऑन इट राइट अबाउट इट और वी बिल यू कम टू मी के तला देखना यार दोस्ती होगी ना तेरी मेरी मैंने mm. आपके चौदह सौ दिन आपके साथ गुजारे हैं आपने अच्छा काम किया है सो आई सेड नो इन थर्टी फोर ईयर्स ऑफ जर्नलिज्म आई हैव नेवर डन एन ऑफिशियल ट्रिप पेड बाय द स्टेट ऑफ पाकिस्तान नॉट इवन वंस नॉट इवन वंस नेम मे जर्नलिस्ट डन दिस नेम मे जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान बिकॉज हमारी ट्रेनिंग जो शुरू से ना मैंने बैनवा इदारों के साथ काम किया है मैंने उनसे बहुत सीखा है उन्होंने मैं ये बताया था कि आप अगर आप और मैं तरह आपने मुझे दिया पता नहीं इसकी कितने की कीमत होगी इसकी कॉफ़ी बीन्स की टी लीफ इतनी नहीं होगी नहीं कितनी होगी आठ सौ साठ रुपये अगर मैंने अढ़ाई डॉलर से ज़्यादा आपसे लंच खाया है तो मुझे अपने न्यूज़ डायरेक्टर को जाकर बताना होता है ये गोरे की ऑर्गेनाइजेशन के मैंने ढाई डॉलर या पाउंड से ज़्यादा लंच खाया है इस बंदे से मैंने बात की है तो वो फिर डिसाइड करेगा भाई उसको तो तुम्हें तो ढाई पाउंड से ज़्यादा का लंच करा पाँच पाउंड का खिलवा दिया उससे जो तुमने मालूम है तो सस्पेक्ट मालूम है वो तो प्लांट कर रहा होगा तुम पे इतने स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स हैं आ, मेरे से बहुत गलतियाँ हुई होंगी लेकिन एक गलती मैंने अलहमदिल्ला अभी तक नहीं की कि मैंने कभी रियासत पाकिस्तान से आ, ना कोई फ़ायदा लिया ना मैं कभी दोस्ती बनाई है सो माई फंडामेंटल इशू इज़ दिस कि आप अपने आप को जितना इंडिपेंडेंट रख सकें इन टर्म्स ऑफ योर एबिलिटी टू से नो जर्नलिस्ट की एबिलिटी टू से नो टू ऑफर्स टू सोर्सेज टू इंफॉर्मेशन टू टू जॉब्स इज़ वॉट गारंटी इज योर फ्रीडम तो जो जर्नलिस्ट किसी पार्टी में पोजीशन लेते हैं गवर्नमेंट में पोजीशन लेते हैं नहीं नहीं, नहीं। आपकी नज़र में वो जर्नलिस्ट नहीं रहते uh, मेरे मेरी ग्रामर के अंदर uh, वो नहीं है कैन दे कम बैक टू जर्नलिज्म मेरी ग्रामर के अंदर उनको नहीं आना चाहिए ओपनली मैंने किया वो मेरे बहुत अच्छे गहरे जानने वाले जो हैं uh, उन्होंने जब पोजिशन ली तो आई द फर्स्ट से एव डोंट डू इट ना करें गलत किया और मैंने पब्लिकली उसके ऊपर स्टैंड लिया मेरा इसको बड़ा क्लियर है बड़ा क्लियर है यू थिंक आई हैव नॉट बिन ऑफर्ड जॉब्स आई मीन रियली मेरा धंधा ही नहीं है भाई एज लिसनर्स शुड दे चलें जो हमें नहीं मुखालिफ लोग नहीं पसंद उनका नाम लेना जायज़ नहीं है चलिए फाद हुसैन का मुझे काम पसंद है फाद हुसैन वर्क फॉर द गवर्नमेंट नाउ इज लॉन्चिंग अ चैनल मैं आपको अपनी जर्नलिस्टिक ग्रामर की बता रहा हूँ जो स्ट्रेट एंड नैरो है ऑलमोस्ट काजी फाइज ई साइक यू मे नॉट लाइक इट इस, इस like say, यार आपने ग्रे एरिए नहीं छोड़ा ये क्या बात हुई जब आप पब्लिक सर्विस में लोगों का काम कर सकें आप तनख्वाह ना लें चलें आप अपनी गाड़ी इस्तेमाल कर लें आप ऑफिस में ना जाए मिनिस्ट्री आपको मिली है एजुकेशन की यू कैन फिक्स कपल ऑफ था स्कूल वाई शुड यू नॉट डू दैट आपके एजुकेशन की बीट है आपने तीस साल काम किया यू कैन बिल्ड अ वेरी कन्विंसिंग केस बट इफ यू ब्रिंग दैट केस टू मी माय फंडामेंटल इशू वुड बी के इफ आई क्रॉस ओवर फॉर मी इट्स क्रॉसिंग ओवर आई शुड स्टे देयर क्या पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम मीडिया में क्रेडिबल वॉइस हैं हैं लोग अच्छा काम कर रहे हैं प्रिंट में जरा ज्यादा है, है। अगर जो लोग टीवी देखते हैं कौन आप किस किस को देखते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं उनका काम मैं अपने समेत किसी को नहीं देखता तो आप में और जनरल बाजवा में एक चीज़ तो सेम है नहीं वो तो बहुत तो अभिशेव करते हुए लोग लोग जान को देख रहे होते हैं मैंने नहीं नाम लिया मैंने आपको बता रहे थे ना आप ही ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे अच्छा आप किसी जान भी आपकी नजर में अल्फाज है, तो से नहीं है। <laughs> तो बस मेरी जिन मेरी जान आपकी नज़र में ठीक है बाकी कोई और जान हो जिन जान की बात नहीं है लेकिन ऑनिस्टली स्पीकिंग दो लोग काम करते हैं लोग उनकी अपनी एक वॉइस है बड़ी स्ट्रॉग वॉइस है आसमान शराजी की अपनी वॉइस और स्टैंडिंग है ठीक वो काम करती हैं शाहजेब ख़ान ज़्यादा मौजूद है ठीक काम करता है और कौन है <coughs> इसके अलावा तजिया निगारों में आई थिंक मोइस जाफरी इज़ वेरी गुड कभी डॉन पे किया करते हैं अब तजिया निगार हैं लॉयर डॉन में लिखते हैं खुरम हुसैन इस, इस, इस फहद के भाई हैं वो बहुत अच्छे हैं खलीक हैं इसके अलावा एक्सप्रेस के अंदर हैं जो इकानमी के ऊपर काम करते हैं इज इट्ज रियली गुड जर्नलिस्ट जिनको पढ़ के आप लर्न uh, करते हैं डॉन डेट सम फैंटेस्टिक वर्क ऑन मलिक रियाज डी एच ए के ऊपर इन्फॉर्मेटिव रिपोर्ट्स हैं तो अच्छा काम हो रहा है बट बत, बदकिस्मती से चूँकि टी वी ब्रांडिंग ने और सोशल मीडिया ब्रांडिंग ने नाम इम्पोज कर दिए हैं इंडस्ट्री के ऊपर तो इंडस्ट्री उन्हीं हवाले से जानी जाती है दैट्स नॉट आई मीन दैट्स हाउ इट इज़ क्या मैं मैार है आपका कि यार अच्छा जर्नलिज्म है ये अच्छा जर्नलिज्म या जर्नलिज्म मेरी नज़र में जर्नलिज्म होता ही अच्छा बैड डेफिनेशन सो अच्छा बुरा जर्नलिज्म कोई जर्नलिज्म नहीं होता तो जर्नलिज्म है तो अच्छा ही होना चाहिए उसका मैार क्या है जर्नलिस्ट का अगर आप मुझसे पूछें अब वो इसके ऊपर द जूरी इज आउट बट मैं तो उनको कहूँगा जी कि आपको क्या बत्तीस वर्ड्स में किसी कॉम्प्लेक्स न्यूज़ का इंट्रो लिखना आता है यानी बड़ा हादसा हो गया खुदा न खास्ता ये सिब्बी के अंदर दहशत गर्दी का वाक़ हुआ या मच का ऑपरेशन है बत्तीस वर्ड्स में आप तमाम मालूम फराम कर सकते हैं जैसे इंट्रो राइटिंग करते हैं इंट्रो राइटिंग नहीं आती सॉरी हेडलाइन बनानी आती है सॉरी आपको ब्रॉडकास्ट के अंदर सोर्सेस को साइट करना आता है नहीं कैमरे के सामने बोलना कैसे खड़ा होना आता है नहीं माइक uh, यूज़ कर रहे हैं पॉज देना आता है नहीं सॉरी सो so, मैं तो बड़ा प्रोसीजरल व्यू लेता हूँ जिस वो uh, जब हम क्रिकेट में सिलेक्शन कर रहे होते हैं ना सो so, मेरा हमेशा मानना ये कि uh, जो सीज़न कोचेज़ होते हैं वो बैट्समैन के विकेट तक जाने और गार्ड लेने तक उसको आधा सेलेक्ट कर चुके होते हैं और बॉलर के रनअप से लेके बॉल डिलीवर करने तक उसको आधा सेलेक्ट कर चुके होते हैं इट्स द वे यू डू थिंग्स प्रोसीजरली और यू वॉक अप टू द क्रीज़ और यू टेक द गार्ड एंड देन यू गेट इन टू योर बैटिंग पोजिशन और यू बॉलिंग पोजिशन दैट डिफाइंस हुई यू है ये सारी प्रोसीजरल चीज़ें हैं सो मेरा मानना है कि अगर आपका प्रोसीजर ठीक नहीं है ना तो आप साफ़ ही नहीं है और अगर सब ठीक हो चले जैसे आई लाइक नजम सेटी हिस्ट्री भी है प्रोसीजरली भी सब ठीक है काम भी सब अच्छा है अनल, भी बहुत अच्छे हैं

नहीं नहीं हम तो ज़रा उनके कंडक्ट के ज़रिए कर रहे हैं तो वो वो बीच में नो ही कैन बैंड इन मैनी डायरेक्शन एडिटोरियली एंड ही इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सन इज़ एन एम्बिशियस पर्सन वो मिनिस्ट्रियल uh, पोजिशन में भी रहे हैं वो पी सी बी के अंदर भी रहे हैं वो केयर टेकर के, के अंदर अकाउंटबिलिटी uh, के जार भी रहे हैं तो नजम सेठी जो हैं वो uh, हतमी तौर पर किस तरफ है आई कुड नेवर फिगर इट आउट The becomes, is not to no, 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 मैंने तो आपको ये पहले असूल पे पूरे नहीं उतरते ना भाई आप चलांग ला के वापस नहीं आ सकते वो असूल वायलेट हो गया तो मेरी नज़र में तो वो बड़ा स्ट्रेट एंड नैरो है लेकिन इट वर्कस फॉर हिम इज अग नेम बिग ब्रांड बिग नेम यू नो हैज़ फॉलोइंग तो वो तो मैं उसको डिनाई नहीं कर सकता आप चूँकि मुझसे पूछ रहे हैं कि मेरे ख्याल में कैसे होना चाहिए असूल बड़ा वाजे है क्या आपको प्रोसेस ऑफ जर्नलिज्म का पता है प्रोसेस ऑफ स्टोरी क्राफ्टिंग एडिटिंग लाइटिंग साउंड इफ यू डू नॉट नो दिस फ्रेंकली जस्ट बिकॉज यू शो अपन टी वी डजेंट मेक यू जर्नलिस्ट ब्रॉडकास्ट जर्नलिस्ट हैव यू यू डन फील्ड नो फ्रेंकली है आर्म चेयर एनलिस्ट डू यू रीड अभी आप ऐतराज़ करते हैं पढ़ते क्यों है? तो मैंने आपको बताया कि मेरा काम ही पढ़ना है तो यस नो जजमेंट पढ़ी है आपने मुझे टी वी पर आया था वो ही सुन के बीपर दे रहा हैं ओ भाई <laughs> और पढ़ा तो सही है उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कैन यू क्राफ्ट अ स्टोरी कैन यू राइट अ कैप्शन कैन यू डू अ हेडलाइन डू यू नो हाउ प्रिंटिंग इज डन नो सॉरी जर्नलिज्म में माफ़ी है अगर कोई आए बोले यार मैं गफूर साहब की बातों में आ गया था मैं फिफ्थ जनरेशन बन गया था मैं भटक गया था अब मेरी आँखें खुल गई हैं या क्रेडिबिलिटी लॉस्ट फॉर जर्नलिज्म कौन सा जन्नत और जहन्नम का कंपटीशन है इसके अंदर कौन किसी को जज कर रहा है द बिगेस्ट जज हैपन्स टू बी योर लॉन्ग टर्म क्रेडिबिलिटी

यह नहीं हो सकता कि एक भयाना गलती से आप स्लिप करते करते दूसरे बयाना गलती के अंदर चले जाएँ और फिर वहाँ जाकर और गलती करें यह नहीं हो सकता बट इन दी एंड फ्रैंकली आई मीन माई जजमेंट डजन रियली मैटर मोर देन इट शुड योर जजमेंट डजन रियली मैटर मोर देन इट शुड लेकिन गुंजाइश हर जगह पे मौजूद है अगर आपने वाक़ता और आपने एडमिट कर लिया कि यार वी मेड ए मिस्टेक तो अगर आप एक दफ़ा गलत थे अभी जिस तरह थोड़ा बहुत मॉरल एप्सिलूट ही नज़र आता है अगर नवाशर को सज़ा हुई थी और वह मिठाइयाँ बांट रहा था भंगड़े कर रहा था कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनका काम अच्छा है पर उनकी भी कुछ इस तरह की बड़ी अनफॉर्चुनेट वीडियोज़ हैं उस टाइम की माजी बहुत बुरा होता है आपके लिए अब अगर वो सही बात कर रहे हैं शुड बी व्यू एनालिसिस भी होता है में अब सब तो डीपर एंड के ऊपर चले गए जर्नलिज्म के अंदर जो पॉडकास्टिंग में या सोशल मीडिया पर फटिन नहीं होता बट नहीं नहीं बिल्कुल हम जानना चाहते हैं एडिटोरियल इंटेंट एनालिसिस भी होता है तो एडिटोरियल इंटेंट क्या है टू तो रिस्टोर अ प्रिंसिपल और टू तो डिमोलिश अनदर पर्सन वो फिर आप जब कॉन्टेंट के पैटर्नस को आप एनालिसिस करते हैं तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो कॉन्टेंट के पैटर्न डेवलप हुए हुए होते हैं उससे आपको पता चलता है कि माजी में जो कह रहे थे उसको गलती को मानते हुए अब हाल में जो कर रहे हैं इसका पैटर्न बड़ा ख़तरनाक पैटर्न है इसके अंदर भी आपको इंटेंट वाया कंटेंट जो है आपको uh, नज़र आ रही है कि वो, वो कोई एडिटोरियल इंटेंट नहीं है अच्छा ये मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल इसके हक में हूँ और मुझे कोई मसला नहीं है कि हर चैनल की मीडिया हाउस की एक अपनी एडिटोरियल पॉलिसी अमेरिका के अंदर भी जिसके हम मिसालें बड़ी देते हैं उसके अंदर तो अखबार जो हैं और मीडिया हाउसेज़ जो हैं वो आपको प्रेजिडेंशियल कैंडिडेट के हक में और उसके मुखालम में वो इंडोर्स करते हैं कैंडिडेट्स को इंडोर्स करते गोवाओं को आपने वोट देना है या ट्रंप को आपने वोट देना है सो दे टेक अ वेरी क्लियर लाइन मतलब जो लिबरल मेन स्ट्रीम मीडिया है उसका ट्रंप के ऊपर टेक वॉज वेरी क्लियर फॉक्स का टेक इज एब्सोलूटली क्लियर एब्सोलुटली नथिंग रॉन्ग विद इट जो गार्डियन है उसका टेक कुछ और है इंडिपेंडेंट का टेक कुछ और होगा माजी के अंदर टाइम्स ऑफ इंडिया का कुछ और होगा सो हर की एडिटोरियल लाइन है एडिटोरियल लाइन का इशू नहीं है फैक्चुअल लाइन का इशू कि अगर मैं एडिटोरियल लाइन लेते लेते फैक्ट्स को इन्वेंट करने लग मैं फिक्शन को फैक्ट के तौर पर प्रजेंट करने लग जाऊँ और डिस्टॉर्ट इस हद तक करूँ कि रियलिटी जो है वो धूप छाऊँ और छाऊँ धूप लगे देन एडिटोरियल लाइन बिकम्स अ प्रॉब्लम मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मेरे फैक्ट्स को क्वेश्चन करें मुझे मत बताएं कि मेरी राय क्या है मेरी राय मेरा हक है और वो बेस करती है उन फैक्ट्स के ऊपर जो मैंने आपको प्रेजेंट किया तो अगर आपने मुझे डिमोलिश करना है ना मेरे फैक्ट्स को चैलेंज करें अगर आप डायरेक्टर न्यूज हैं टीवी शोज हो रहे हैं बड़े हो रहे हैं एक एडिटोरियल पॉलिसी हो रही है मीटिंग्स हो रहे हैं आप बैठ रहे हैं बट जुकान रियली और अडली मे बी शुड टेल एवरी एंकर की यही बोलना है वो किस तरह से एज डायरेक्टेड न्यूज़ क्या जॉब होनी चाहिए डायरेक्टेड न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स अगर हैं तो फिर करंट अफेयर्स के अंदर तीन चार फंडामेंटल चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया से लेके ट्रेडिशनल मीडिया पर लागू होती हैं आप वायलेंस को प्रमोट नहीं करेंगे आप पर्सनल ग्रेटिफिकेशन के लिए काम नहीं करेंगे और आप एब्सर्डिटी को यानी फिक्शन को आ, राय की सूरत में प्रेजेंट नहीं करेगा ये बड़ा दिलचस्प है आ, एक सिंपल राय है एक फॉल्स ओपिनियन और एक इनफॉर्म्ड ओपिनियन है फॉल्स ओपिनियन क्या है मैं आपको कहूँ यार ये माइक नहीं है ये करेला है आप कहें यार भाई करेला नहीं है माइक है नहीं वो तो मुझे बताऊँ बता। शौक बताएंगे तो आप समझ लेंगे मैंने कहा माइक माइक जो है ये इसे आवाज़ आ रही है भाई मैं कहूँ आपको क्या तकलीफ है मेरी राय है माई राय इज़ अ फेक ओपिनियन बिकॉज इट इज़ अ माइक वाई बिकॉज वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ठीक है तो आप फेक और फॉल्स ओपिनियन को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के खाते में प्रमोट नहीं कर सकते अगर आप करेंगे तो वो रिटोली अलाउड नहीं है उसके बाद हमारी लाइन है कि हमने जमहूरीत को सपोर्ट करना है हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना है इस्टेब्लिशमेंट को हमने Uh, वो रोल नहीं देना जो स्टेब्लिशमेंट जिसकी जिसकी आदि हो गई है और uh, उनकी गलतियों के ऊपर भी हमने नजर रखनी है ये मेरे चार पांच ब्रॉड पैरामीटर्स है इसके अंदर जितना मर्जी खेल लें लेकिन अगर आप कहेंगे जी कि यहाँ पे डिक्टेटरशिप होनी चाहिए नॉट अलाउड सॉरी दैट्स नॉट फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इन माय ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज माय टेरिटोरियल लाइन इज वेरी क्लियर येस यू कैन कॉल इन समबडी हु डिक्टेटरशिप इज अज अ ग्रेट सिस्टम यू कैन है डिबेट ऑन इट बट माई ऑर्गनाइजेशन रिप्रेजेंटेटिव कैन सिट देर इन से जमूरियत ठीक नहीं है ये मेरे एडिटोरी लाइन के ख़िलाफ़ तो मैं उसमें बड़ा वाज हूँ जब मैं न्यूज़ का एडिटर था तो अखबार चूँग ढाई बजे हमने ढाई बजे से पहले भिजवाना होता था तो लोगों को आदत होती है एडिटर के कमरे में बैठ के ऑफिस भी अच्छा होता है हम भी एक किसी ज़मान में किया करते थे चाय वह पढ़ी या तो बिस्कट वो चली जा रही बातें चली जा रही चली जा रही तो कोई अपनी राय दे रहा तो फिर मुझे मजबूरन अपने दरवाज़े के ऊपर लिख के लगाना पड़ा कि यहाँ पर आकर जमहूरियत ख़त्म हो जाती है और एडिटर का ऑफ़िस शुरू हो जाता है मतलब तो ये है कि मुझे पेपर निकालना था भाई तो आप बैठे बातें किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं सो माई जजमेंट इज फाइनल दैट्स माईटोरियल पॉलिसी पॉलिसी इज दिस दिस वायलेट दैट्स दिसलेट्स न्यूज इसमें कभी आपके साथ हुआ कि आप किसी चैनल में और आपको लगना शुरू हो गया कि मेरा जो एक एंकर है वो खुद से नहीं शो कर रहा कोई करवा रहा है उससे ऑफ द का फ्रेंक आई कार्ट रिकॉल लेकिन uh, uh, बस मेरे हो तो वो ऐसा नहीं हुआ जहाँ मैंने शायद तोज्जो नहीं दी हो क्योंकि मेरी एडोल पॉलिसी काफ़ी क्लियर होती थी और वो एडोल पॉलिसी ऐसी नहीं थी कि क्योंकि जारी पॉलिसी है इट इज़ ग्राउंडेड इन कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ क्योंकि हम लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं और हमारा हर रेफरेंस जो है ना वो हवाला बनता तो उससे बाहर कोई बहुत कम जीनी और मजहबी प्रोग्राम करने वाले थे वो बोला मेरे कंट्रोल में होते नहीं थे वो uh, एक ऐसी रैल में जिसके अंदर मैं जाता नहीं हूँ uh, वहाँ पे वो करते रहते बहुत सारी बातें आई एम नॉट ए ग्रेट फैन ऑफ पीपल प्रमोटिंग यू नो प्रोमोटिंग आइडिया ऑफ रिलीजन ऑन टी वी लेकिन मैथ मीडिया पर बहुत होता है ऐसा uh, क्या किया था आपने जो जनरल फैज ने आपको हटवा दिया जनरल फैज नहीं जलबाज में हटवाया था फैज के थ्रू नहीं करवाया था ये डी आई एस पी आर के जरिए ऐसा क्या था कुछ भी नहीं था यूल माई प्रोग्राम वज नॉट द इशू जियो के प्रोग्राम इशू नहीं था कि वो प्री टेप्ड होता था उसमें कतरी वतरी वो मार देते थे जो मैं आर्टिकल लिखता था न्यूज़ के लिए वो भी इशू नहीं था वो भी एडिट हो जाता था वो कहते थे ट्वीट नहीं करो और ट्वीट क्या नहीं करो ये भी बड़ा दिलचस्प है इस्टब्लिशमेंट uh, अच्छा इस्टेब्लिशमेंट की बहुत सारी जो लाइन है इस्टेब्लिशमेंट की मेरी उनके साथ अलाइनमेंट भी है मैं आपको बता दूँ किन किन चीज़ों पर अलाइनमेंट है इंडिया पर अलाइनमेंट है मेरी बड़ी इनफैक्ट आई एम लाइक टू यार्ड्स अड ऑफ दैम ऑन इंडिया कश्मीर पे मेरी अलाइनमेंट है टू यार्ड्स अड ऑफ दैम न्यूक्लियर के ऊपर मेरी अलाइनमेंट है टू यार्ड्स अड ऑफ दैम सो आई हैव वेरी क्लियर कट थिंक तो इस्टेब्लिशमेंट डिफेंस स्पेंडिंग मोर ट्रांसपेरेंसी बट यू नीड टू स्पेंड ऑन डिफेंस दैट्स माई टेक ऑन थिंग्स लेकिन पोलिटिकल रोल जीरो है भाई पोलिटिकल रोल नहीं होना चाहिए तो ट्वीट मेरे जिसके मेरा एतराज़ होता था वो ये ना कहें कि दो हज़ार अठारह के, के इंतबात रिग्ड थे ये ना कहें कि आर टी एस बिठवा दिया गया था और ये कहें आ, दो बातें और कहें कि इमरान खान आ, बहुत अच्छा प्राइम मिनिस्टर है और ये कहें कि नवाज शरीफ करप्ट है दैट्स इट ट्वीट्स में ये दो चीज़ें ना कहें और एक चीज कहें तो मैंने कहा ट्वीट तो मैं करता रहूंगा चैनल मैंने छोड़ दिया। That's it. इस जो लोग टीवी चैनल पर हैं उनको इंटरव्यूज दिए जाते हैं ना उधर डिसाइडिंग यार मेरी ये तनख्वाह है ये है मेरे बच्चे स्कूल में है मेरा घर है रेंट है अगर मैंने उस्मानदार का इंटरव्यू कर लिया तो क्या ही फर्क पड़ता है कर लेता हूँ वरना तुम्हें नौकरी जाएगी तो ये सब जाएगा उनको क्या एडवाइस देंगे तो वो आ, हम सब के पास सबसे बड़ी जो ताकत है वो मैं आपको पहले बता दी दी पावर टू तो से नो से नो एंड से नो इन अ डिसेंट वे रीजन योर केस बिकॉज यू डीलिंग विद यू नो हाईली सेंसिटिव पीपल वो आर यूज टू यू नो वॉकिंग ऑल ओवर यू इफ दे इफ कोट तो उनका एक मैनुअल है जिसमें मैंने कहा उनका वो मैनुअल के तहत काम करते तो आप अपने मैनुअल से वो कोट करें कि सर ये बात नहीं बनेगी आपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई है बिन से भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दे मैं नहीं ये कर सकता मेरी क्रेडिबिलिटी है यकीन माने नाइन आउट ऑफ टेन वॉक अवे लेकिन जिस समय पंजाबी में कहते हैं चोर नालों पंड का ली है मतलब ये कि आप खुद ही करें और सर दूसरा भी तो करवाओ ना दैट पाएगीजन वर्क टू या जस्ट से नो तो आपने जो छोड़कर फिर जर्नलिज्म में तो लिए स्पेस खत्म हो गई थी फिर आपने दूसरी नौकरियाँ मेक एंड नहीं मैं मेरा फॉर्चुनेटली जो था ना एक पैरेलल कैरियर मैंने डेवलप किया हुआ था मैं उन्नीस सौ बानवे पर उस पर काम करता इतफाक मुझे वैसे शौक है शौक का जो नेक्स्ट लेवल है इन अ पॉजिटिव एक ठरक है वो पढ़ाने की है। तो मैं यूनिवर्सिटीज़ में उन्नीस सौ नाइनटीन नाइन्टी टू से पढ़ा रहा था फिर साथ मैंने स्कूल में भी पढ़ाना शुरू कर दिया तो वो एक क्लास अगर आप पढ़ाएं तो मेरे जैसे बंदे को मेरे ख्याल में अड़तीस हज़ार रुपया दे देते हैं इज़ नॉट मच तो मैं वैसे दो कोर्सेज पढ़ा रहा था जब ये नौकरी नहीं रही तो मैंने पाँच पढ़ाने शुरू कर दिए उससे बिल बिल पे हो गए फिर कुछ थोड़ी सी कंसल्टेंसी थी वो था टी से नहीं निकाला बाई दे वे। मैंने एक बामी वेबसाइट के लिखना शुरू किया अच्छा उसका नाम है तो उसमें मैंने दो आर्टिकल लिखे तो वहाँ के डिफेंस एड्रेशी के जरिए उनकी रॉयल फैमिली को कहलवा के ये सारा रिकॉर्ड है मेरे पास कहलवा के मेरे आर्टिकल बंद करवा दिए गल्फ न्यूज़ जी इधर मैंने उर्दू कॉलम लिखने शुरू किए तो इधर भी फारग करवा दिया आई वॉज नॉट अलाउड टू इवन रैट फॉर वेबसाइट्स मिला के मेरा कोई इन्होंने कम अज़ कम जो है ना इस तमाम वर्से में तीन सवा तीन साल तो मैं रहा ऑफ uh, ग्रेड दस एक करोड़ का तो नुकसान किया होगा इन्होंने आपका दस एक करोड़ का नुकसान कर दिया आप सारम साहब उन पर गोली मार दी आफ्टर दैट वंस डज जर्नलिज्म इट्स इम्पॉसिबल टू बी कम्प्लीटली ऑब्जेक्टिव राइट ये चीज बॉदर तो करती होगी कहीं ना कहीं अब आप कह रहे हैं मैंने किसी से ढाई डॉलर की भी ले ली तो मैं बायस हो जाता हूँ यहाँ किसी ने आपका दस करोड़ का नुकसान कर दिया तो वाई यू नॉट बास्टमेंट एज इंडिजल्स ना अगर आप कुछ भाजपा के हाँ, कुछ हाँ, बारे में आपने मेरी बायस का क्वान्टम जो है मेरे फैक्ट्स के कोांटम के साथ टैली करना आपका ख्याल है कि मैं बायस हूँ ये ख्याल है ना कह रहे हैं ढाई डॉलर बायस कर देता है नहीं बायस नहीं करता तो रिपोर्ट करोड़, यहां तो दस करोड़ हाँ तो बायस कर देता है आ, हो सकता है मैं अनबाइस्ट हूं वट विल डिटर्मन वेदर आई एम नॉट बाई फैक्ट्स विल डिटर्मन यार तो आप मेरे फैक्ट्स को चैलेंज करें ना आप कहें आपने बाजवा के बारे में आप बायस मैंने कहा बिल्कुल हूँ तो ये जो आपने बातें की मैंने कहा बातों के अंदर झोल निकाले ना आपको मेरी स्टोरी से कंटेस्ट करना है मेरी राय से कंटेस्ट नहीं करें आप कहेंगे आप बहुत बायसट है मैं आगे से जवाब दे दूंगा मैं नहीं बाइस्ट हूँ वट वॉट विल डिटर्मन आम बाइस्ट और नॉट माई फैक्चुअल विल डिटर्मन तो भले मैं जितना मर्जी बायस्ट हूं जो कि मैं हूं जो कि मैं हूं मेरे फैक्ट्स को आप चैलेंज करें अगर आप फैक्ट्स को चैलेंज नहीं कर सकते तो मुझे मत बताएं कि आप बाइस्ट हैं क्योंकि जब आप मुझे कहते हैं कि आप बाइस्ट हैं तो यू आर बींग सो बाइस्ट यूर बींग बाट टेलिंग मी दैट आई एम दायस्ट वो तो, तो सब अपने पॉइंट से देखेंगे क्या आप ये सोचते हैं हुँ. कि यार मैं अगर कुछ रिपोर्ट कर रहा हूँ ऐसा तो नहीं है कि मेरे साथ बुरा हुआ तो इसलिए मैं कर रहा डू यू गो थ्रू दैट डिस्कशन मेरी एडिटोरियल लाइन बड़ी क्लियर है कि अगर फैक्ट्स पॉइंट इन वन डायरेक्शन जो मेरी समझ है उन फैक्ट्स की मैं उन फैक्ट्स के मुताबिक चलूँगा वो बाजवा साहब ने जब कोई अच्छा काम किया होगा मेरी नज़र में आएगा तो मैं बता भी दूंगा आपको वो उसी मुन्ने की किताब की तरह जो आप जैसे मासूम शख्स ने खरीदी ना मुन्ने के कारनामे तो उसमें चार सौ निन्यानवे पेज के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ था तो पाँच सौ में पेज के ऊपर लिखा हुआ था कि मुन्ने ने को कारनामा किया होता और इसी लिख देना तो बाजवा साहब जो को कारनामा उनका सामने आएगा तो मैं बयान कर दूँगा फिलहाल इट वॉज नॉट अ गुड थिंग फ्रेंक मेरे जर्नलिज्म को तो कोई नुकसान नहीं पहुँचा मैंने यूट्यूब शुरू कर दिया उसका एक अपना ब्रांड डेवलप हो गया मैं फाइनेंशियली थोड़ा सा और इंडिपेंडेंट हो गया मुझे पैरल कैरियर में से पैसे आने शुरू हो गए तो मैं अपनी दाल रोटी चला लेता हूँ आई डोंट हैव टू डिपेंड ऑन टीवी मनी

रिमार्केबल अचीवमेंट्स शायद इमरान को भी नहीं पता होगा उसकी रिमार्केबल अचीवमेंट्स क्या एक तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ही वॉज ही वॉज दी ओनली लीडर एंड एट हार्ट प्रॉब्लली ही इज़ दी ओनली लीडर जो राइट और लेफ्ट दोनों को कंबाइन कर सकता है जो एक्स्ट्रीम लिबरल और एक्सट्रीम कंजर्वेटिव को मिट तो एक बेहतरीन लीडर के लिए जो आपको वसफ़ चाहिए वो उसके पास मौजूद है वो उसने इस्तेमाल कभी नहीं किया अपनी ज़ात से आगे इस्तेमाल नहीं किया कि आपने सेंटर में सबको लेके आना है जब hmm. जो लीडर सेंटर के अंदर आके एक्सट्रीम्स को रिकनसाइल करवा सकते हैं ना उसके लिए कामयाबी के रास्ते बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि उसको हर कोई सपोर्ट करता है प्रिकेरियस वॉक भी होती है टेंशनस होती हैं लेकिन यू आर एट द सेंटर ऑफ एक्सट्रीम्स एंड यूर फॉर यू आर बेनिफिशरी सो ही वॉज एबल टू डू दैट नंबर वन नंबर टू जो यूथ दहशतगर्दी का एक बहुत फेज़ चला पाकिस्तान में वो उसके बाद फिर हमने जहाद फैक्ट्रीज़ को बंद कर दिया जो यूथ आ, डिस्पोंडेंसी के अंदर जा सकती थी किसी और तरफ घूम सकती थी जो बाहर से हायर हो सकती थी उसको पोलिटिकली उसने मेन स्ट्रीम किया आई थिंक इट्स अ बिग थिंग और बड़े लार्ज नंबर्स के अंदर किया नंबर uh, थ्री uh, दो सियासी जमातें जो हैं ही गेव दे में रन फॉर दे मनी मतलब इन्होंने एज्यूम कर लिया था जब भी पंजाब हमारा है और uh, सिंध के अंदर कोई मसला नहीं है और के पी के हमारा है ही चैलेंज है बेस्ड ऑन दिस थिंग और उसने एक नई पोलिटिकल क्लास को डिवेलप uh, किया ये बहुत बड़ी अचीवमेंट्स है किसी भी लीडर के लिए लेकिन इतनी अचीवमेंट्स आपके पास हो और आप घड़ियां बेच रहे हों तो फिर हम क्या करें हाउ कैन द रोल ऑफ दब्लिशमेंट बी करप्ड लिख के क्यों पूछ रहे हैं इसा? ये लोगों के सवाल नहीं, मेरे नहीं, लुकिस नहीं। है मेरे किसने भेजे हैं कौन से लोग नाम मैं क्या नाम बताऊं सनिया <laughs> का सवाल नॉर्थ नाजमाबाद से आया है it's, it's, it's मैं not... जो है ना मैं पहले फोन से डायरेक्टली पूछता था लोगों ने ऐसे बोला कि फोन में क्यों पूछता है यहाँ से आते हैं तो आपके लिए मैंने मेहनत करिए लिखे एक दो तो।

जिसका काम उसी को साजे दूसरा करे तो डींगा बाजे दैट इज़ द बॉटम लाइन मैं बिल्कुल इस हक़ हाँ में नहीं हूं हाइब्रिड सिस्टम के बिल्कुल भी इसके हक हाँ में नहीं हूँ क्योंकि अनवायबल है किसी मुल्क में नहीं चल रहा ना यार तो इसी वजह से नहीं चल रहा ना कि नहीं चल सकता तो मत इसको ट्राई करें uh, मुल्क को अगर आपने फाइनेंशली वायबल बनाना है तो सिस्टम की तहहीर की ताकत आप इस्तेमाल कर सकते हैं uh, आप कंसल्टेंसी के अंदर इनपुट दे सकते हैं सारी दुनिया के अंदर इंस्टीट्यूशन uh, के इनपुट होती है लेकिन आप फोर फ्रंट के अंदर आके वो काम नहीं कर सकते जो सियासतदानों के काम दिस यू कानू किसी ने ये भी शिकायत की है कि आप एक औरत के बारे में पिंकी और पीडनी जैसे अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं किसके बारे में बीवी के बारे में तो पिंकी नहीं उनका नाम पिंकी तो निकने में पीदनीटरी like a... अच्छा it... आज... नहीं करता आई इट वो गलत जो हो जाता है ना शायद तो उसके अंदर मुझे अगर आप समझते हैं कि ऑफेंसिव है तो नहीं करूँगा

कारनामे मुमकिन तौर पर हो सकते थे या उसने किए हैं उसके अंदर आपको बताया है कि वो सेंटर में आके एक्सट्रीम्स को निगोशिएट कर सकता वो उसने किया ही नहीं उसने तो कह दिया माई वे और हाई वे आइर एस गोइंग टू बी मी और दीज गाइज सो चोर डाकू मतलब ये कि इनको तबाह कर दो बर्बाद कर दो वो तो बहुत एक्सेंचुएट हो गया अनफॉर्चुनेटली मेरा तो नहीं ख्याल किया कि दस साल में जाएगा या बारह साल में जाएगा आप कैसे डील करते हैं मतलब आपकी ताश मबासी से भी दोस्ती है और जनरली मे बी योर ओपिनियंस डिफ़र योर चैनल दे डिफर बट दैट होपफुलफेक्ट योर रिलेशनशिप ये चादर तो ये आप क्या लोगों को भी एडवाइस देना चाहेंगे यार ये सब चीज़ें अपनी जगह दिल का रिश्ता दोस्ती वो अलग वा ज़्यादा जज्बाती ना हुआ करें क्योंकि जिन लोगों के लिए आप जज्बाती हो रहे हैं वो बिल्कुल भी जज्बाती नहीं उन्होंने बड़े देखभाल कर अपने मामला तय किए हुए हैं जिन लोगों के लिए आप लड़ मर रहे हैं वो आपस में लड़ मर नहीं रहे वो डील्स के चक्कर में है वो निगोशिएशन के चक्कर में है कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निकल जाता है कोई नज़रबंदी के ज़रिए निकल जाता है कुछ 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 निकल जाते हैं तो प्लीज़ आप अपने जज्बात को अपनी अकल और अपने फ़ायदे के ऊपर हावी ना होने दें अगर किसी की राय है तो उनको कहें गुड फॉर यू नो दैट्स योर ओपिनियन आई रिस्पेक्ट दैट ओपिनियन आई एक्सप्रेस माई ओपिनियन Uh, you need to respect that. Even if you don't respect that, don't be disrespectful towards me. One. Number two, जब फैक्ट सामने आ जाए ना तो इसरार ना करें कि मेरा कहाँ चिट्टा है uh, ये ना कहें अगर फैक्ट्स आ गए हैं तो आपने तो नहीं इन्वेंट किया ना आ गए हैं सामने तो आ गए हैं तो तहमल के साथ थोड़ा सा चलें ये कोई uh, उनकी कोई लड़ाई नहीं है टॉप <coughs> uh, के ऊपर कोई लड़ाई नहीं कोई लड़ाई नहीं बिलाल भुट्टो साहब की आपने टोन नहीं दिखी इमरान खान के बारे में उनको कह रहे हैं कि उनके वोटर्स को उनके पास आना चाहिए <coughs> और वो कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं पोलिटिकल तो प्रिजनर्स को सबसे पहले छोड़ दूंगा इससे मुराद क्या है किन को छोड़ेंगे मैं आपको आज बता दूंगा अगर नवाज शरीफ ये कहें कि मैं आ, लेट्स आ, हील और इस्टेबलिशमेंट के साथ हम मिलके के फैसला आ, कर लेते हैं <coughs> इमरान खान उनसे हाथ मिला लेगा तो जो बंदे मारे गए हैं जिनको जेलों में भिजवाया है उनके माँ बाप क्या करेंगे सो प्लीज़ ज़रा तहमल के साथ किसी ने पूछा के कॉन्टेक्स्ट में किसको मैंने किया साद रिजवी पोलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव है मैंने बनाया मैंने तो उनकी पोलिटिकल पार्टी को आ, इंडोर्स कर नहीं करा इलेक्शन से रजिस्टर नहीं करवाया पंजाब के अंदर लास्ट इलेक्शन में थर्ड लार्जेस्ट वोट गेटर था पाकिस्तान में फिफ्थ लार्जेस्ट वोट गेटर था इस मरत पंजाब के अंदर उनका नून के बाद सबसे ज्यादा कैंडिडेट खड़ा हुआ है तो मैं क्या करूँ ना तो मैंने किया उनको इंडोर्स मैंने तो नहीं किया ना लोगों ने वोट दिए इलेक्शन कमीशन ने किया पूरी इलेक्शन कैंपेन रन कर रहे हैं क्या करूं <coughs> मैं तो एम uh, क्यूम भी गया तो बारह मई हुआ तो एम क्यूम ना जाऊं उनसे मिलने के लिए क्यों ना जाऊं भलेजमेट पोलिटिकल पार्टी है मैं तो असद कैसर के पास भी गया क्योंकि पार्टी ने मेरे साथ क्या किया उनके uh, कर... मैं उस्मान कियाार के घर पर गया उस्मान डार के वारला को मैंने इंटरव्यू किया तलत हुसैन वॉकिंग इन टू उमान डार हाउस हिज बालदा एंड रिपोर्टेड फेथफुली शी माइनस दी अब्यूज़ पॉलिसी नहीं है कुछ उन्होंने अब मैं क्या करूँ अब होना तो यही चाहिए तो तो था कि मैं ऐसा के असर के वहां पर जाता ना उसको उड़ा के रखता उस्मान डार घर के सामने खड़े होकर ये बंदा जो है मेरे में कोई झोल नहीं है या खम नहीं है बिकॉज यू आर एब्यूजिंग द वर्ड बैंड खम नहीं है आ, या खामी नहीं है बिल्कुल भी नहीं लेकिन आई ट्राई टू एक्सरसाइज माई एडिटोरियल जजमेंट टू द बेस्ट ऑफ माई जजमेंट में गलती हो जाती है तो या सो मैं क्या एडवाइस पे एंड करते हैं हाउ कैन अ जर्नलिस्ट बी ऑनेस्ट विथ हिज वर्क जबकि इस्टेबलिशमेंट आपको सारे मीडिया को कंट्रोल कर <coughs> रही होती है सारे मीडिया को कंट्रोल कर रही है चलें जितना इस्टेबलिशमेंट का थोड़ा इन्फ्लुएंस है थोड़ा सबसे बेहतरीन सवाल वो पूछते हैं जिनको कुछ नहीं पता होता कि निजाम काम कैसे कर रहे हैं लेकिन चूंकि पूछ लिया तो जवाब हाँ। दे देते हैं आप जिम्मेदार हैं अपने कॉन्टेंट के आप जिम्मेदार हैं अपनी बाईलाइन के आप जिम्मेदार हैं अपनी टैग लाइन के आप जिम्मेदार हैं, हैं उस तमाम पॉडकास्ट के अंदर जो भी आपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं उनके दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर आप समझते हैं कि आप को अपने कहे आ, सोचे बोले लिखे आ, पर सहाफ़ियाना असूल के मुताबिक कोई एतराज़ नहीं होता तो दैस गुड जर्निस लेकिन इस्टबलिशमेंट आपको बिल्कुल अपना काम करने से मुश्किल खड़ी करेगी लेकिन आप उनका बगल बच्चा बन के और बाद में इनकलाबी बन के आप पाकिस्तान में सहावत नहीं कर सकते दैट्स नॉट गो वर्क सो उनकी दोस्ती उनकी दुश्मनी दोनों के अंदर बड़े मसाइल हैं बच के चलें इसीलिए मैं अपने आप को साफ़ी नहीं कहता क्योंकि जानते हैं कि मुझे शौक भी होती का बहुत है। सीरियस काम भी करना है लेकिन जब जुमले आ जाते हैं मुझे रुका भी नहीं जाता इसलिए मैं अपने ऊपर वो प्रेशर लेना ही नहीं चाहता सहाफत का कमेडियन हूँ कमेडियन रहूंगा खुश हूँ मैं थैंक यू सर आज हमने वक्त दिया थैंक यू फिर लिसनिंग टेक केयर बाय